a CBT practitioner as well. Am I audible? Some are commenting that I'm not audible. No, ma'am, you're audible. Okay, thank you. I would like to call Ma'am Farwa so that she can continue today's webinar. Please, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam. Thank you so much, Nayab, for... Wa alaikum assalam. Okay. So I was thanking you, Nayab, for this great introduction. Thank you for having me. So I think let's start our session. I have shared my screen. Nayab, please let me know if it is visible. Yes, ma'am, it's visible. All right, all right. So thank you. Should I start? Yes, ma'am, you can start. All right. So I think most of the participants know that the topic we are going to discuss today is autism and its management. So without wasting time, I would like to start it. So for today, we will discuss what is autism. Ke autism ko ek jo hai na, I do hope ke all of the students we hear. Have here they belong from, you know, they belong to psychological background, psychology department mein se hi zyada tar honge. So thoda bahut main introduction dungi autism ka, kyunki jab hum DSM ko go through karte hain, there are terms aur jis tarah se cheezon ko state kiya gaya hai, to students come to me and they feel difficulty ke jo cheezein jis tarah se narrate ki gayi hain, they feel some difficulty to understand the diagnostic criteria. Theek hai, तो मैं थोड़ा सा ऑटिज्म को इंट्रोड्यूस करूंगी. सिंस अब हम DSM 5TR कह रहे हैं, सो आई वुड इंट्रोड्यूस ऑटिज्म जो कि हमारे TR में मेंशन है, और उसके साथ साथ फिर हम ऑटिज्म की मैनेजमेंट को भी कॉल करेंगे कि किस तरह से हम इस डिसऑर्डर की मैनेजमेंट कर सकते हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज के ऑटिज्म को जब आप देखते हैं इन द लाइट ऑफ DSM-5 DSM-5TR, the revised version, जो कि लेटेस्ट ही अभी जो है ना आया है, आई थिंक इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर. तो क्राइटेरिया ए एंड क्राइटेरिया बी, दीज आर द टू मेन थिंग्स जिसके ऊपर आपने ऑटिज्म को देखना होता है कि ऑटिज्म बेसिकली क्या चीज़ है. क्राइटेरिया ए में जिस तरह से मेंशन है कि जो ऑटिस्टिक पर्सन्स होते हैं, दे हैव अ लैक और दे हैव अ डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. और क्राइटेरिया बी में जो है, वी सी दैट देयर आर रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स. लेकिन इन चीज़ों में सिम्टम्स किस किस तरह की आ सकती हैं और वो एक कॉन्टिन्यूम पे कैसे लाई करती हैं, क्योंकि जब आप DSM में देखेंगे, द डिसऑर्डर इज नेम्ड एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो हम वो चीज़ भी देखेंगे कि क्यों हम ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम में जो है ना, ये ऐसा डिसऑर्डर हुआ है जिसको हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तो उसकी सिम्टम्स क्या क्या होती हैं और वो स्पेक्ट्रम पे कैसे लाई करती हैं. सो लेट्स गो थ्रू द क्राइटेरिया ए, जिसमें आपकी सोशल कम्युनिकेशन आएगी और सोशल इंटरेक्शन आएगी. दीज टू डिफरेंट थिंग्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बट दे आर डिफरेंट. सो द फर्स्ट थिंग इज सोशल कम्युनिकेशन, जिसमें आप वर्बली दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जस्ट लाइक दैट आई एम टॉकिंग एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग. तो जो हमारा स्पीकिंग एंड लिसनिंग वाली चीज़ आएगी, जिसको हम स्पीच में कैटर करते हैं, वहाँ पे भी ऑटिस्टिक पर्सन जो होते हैं, उनके डेफिसिट्स आ रहे होते हैं, उनके लैक आ रहे होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज सोशल कम्युनिकेशन में आपकी, आप स्पीच को देखेंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन में थ्री डिफरेंट जो है ना, बट अगेन ओवरलैपिंग इंटरलिंक्ड सिम्टम्स जो हैं वो आ रही होती हैं. फर्स्ट इज सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी में जो है, वो बच्चों को डेफिसिट आ रहा होता है. तो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी होता क्या है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ लिटिल, के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी होती जाएं. अच्छा, जब आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, विल यू शेयर द स्लाइड.
आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेशन. अच्छा आफ्टर द सेशन, ऑल राइट, मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगी ना आपके साथ ही या फिर जो हमारे स्टेशन के कोऑर्डिनेटर हैं. डेफिनेटली आई कैन शेयर दैट. थैंक यू सो मच. All right. So the first thing I was going to tell you कि social emotional reciprocity का मतलब क्या होता है, and being student of psychology, being a clinical psychologist, आपके पास जब बच्चे आएंगे, हमने थेरी में तो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन जब जिस तरह से बच्चे आते हैं और हमने ये चीज़ भी देखी है या आप में से किसी ने सुनी होगी कि autistic बच्चा जो है वो दूसरे autistic बच्चे से different होता है, क्योंकि जिस तरह से वो symptoms उनकी behavioral manifestation हो रही होती है, जिस तरह से सिम्टम्स अपीयर हो रही होती हैं, वहाँ पे बहुत वास्ट लेवल पे जो है ना वेरिएशन आ रही होती है. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को समझा जाए. तो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी का ये मतलब है कि बहुत लिमिटेड किस्म की उनकी जो है ना वन टू वन इंटरेक्शन, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, वी लुक टूवर्ड्स द पर्सन. तो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएगी बच्चों में, या अगर आपके पास टीन एजर भी, जैसे अभी करेंटली मेरे पास जो हैं वो ट्वीन एजर्स भी आ रहे हैं 25-26 ईयर्स के, जिनको थ्रू आउट देयर लाइफ वो कभी भी डायग्नोसिस उनको नहीं दिया गया कि वो ऑटिस्टिक जो है ना सिम्टम्स के साथ थे. तो आई कॉन्टेक्ट जो है वो उनका वहाँ पे डेफिसिट होता है, जब वो अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं या जिस तरह का भी उनका अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल है टू इंटरेक्ट द नेक्स्ट पर्सन, टू कम्युनिकेट विद द नेक्स्ट पर्सन, तो वो आई कॉन्टेक्ट नहीं देते हैं. उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत मोनोटोनस होते हैं, या बाज़ दफ़ा आपको कम्प्लीट लैक वहाँ पर नज़र आता है. तो इमोशनल रेसिपी का ये मतलब है आप बच्चे से जाके बात कर रहे हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहा है. और पेरेंट्स जब आते हैं वो अक्सर अक्सर ही ये चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि हम इसको सबसे पहले जो है ना हियरिंग के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि जब हम इससे बात करते हैं ये आगे से इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे हमारी बात सुन ही ना रहा हो. तो जब बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको फोकस कर रहे होते हैं और उनकी चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं, दे गेट कंसर्न कि कहीं इसको ये सुनता भी है या नहीं. तो इतना ज़्यादा डेफिसिट होता है टू रेसिप्रोकेट. तो ये इस सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है कि इंटरेक्ट करना, रिस्पॉन्ड बैक करना टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सन, वहाँ पे लैक आ रहे होते हैं. उसकी वेरिएशन, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम की बात की तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी क्योंकि कॉन्टिन्यूम पे चीज़ें. अगर तो बच्चा बहुत ज़्यादा सिवेरिटी के साथ है तो वहाँ पे लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी सेकंड वाले पॉइंट में मेंशन है कि आप बच्चे को अक्सर सिर्फ बोलते हो कि फलानी वहां पड़ी हुई है चीज, आप पॉइंट करके बताते हो या आप कोई वेव करते हो, वो चीजें भी उनको नहीं समझ आ रही होती हैं. तो ये हो जाएगी उसकी कॉन्टिन्यूम में जो सवेयर वाली जो एक्सट्रीम साइड होगी. और जो अगर हम लीस्ट या माइल्ड लेवल की बात करें तो वहाँ पे आता है कि बैक एंड फॉर्थ कॉन्वर्सेशन की, ये अगर माइल्ड ऑटिज्म के साथ है बच्चा कोई, तो वहाँ पे वो आपको कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट भी देंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को, जैसे कुछ मदर बताती हैं कि इसको पता चलता है व्हेन आई गेट एंग्री, व्हेन आई गेट हैप्पी, तो इन चीज़ों को ये समझता है. लेकिन बाकी बच्चों की तरह से आके अपनी बताए कि अपने टॉय के बारे में उसको कौन सा पसंद है, कोई खाने के बारे में आज मामा मुझे ये खाना है, इस तरह से आके अपनी कोई थॉट्स, अपनी पसंद नापसंद को शेयर नहीं करता. तो ये होता है एक डिस्कशन मेंटेन करना, एक बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन होना, अगले की बात सुनना, फिर उसका जवाब देना. तो माइल्ड लेवल पे ये चीज़ें जो हैं वो हमें विद इन द सिम्टम नज़र आ रही होती हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, कि एक ही सिम्टम जो है वो एक्सट्रीम में भी हो सकती है, वो बीच में भी कहीं लाई कर सकती है. तो लीस्ट उसकी क्या फॉर्म हो सकती है वो भी मैंने आपको बताई. तो नॉन वर्बल का भी वही मैंने एक्सप्लेन किया कि वो पॉइंटिंग को, वेविंग को, या किसी भी तरह के जो हमारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं टू कम्युनिकेट, वो चीज़ें बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, बच्चे कह लें या ऑटिस्टिक पर्सन जो भी हैं. एंड द थर्ड वन इज डेफिसिट इन रिलेशनशिप मेकिंग, कि उनको ये नहीं, क्योंकि सोशलाइजेशन क्राइटेरिया ए ही यही है ना कि डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. तो उन बच्चों को नहीं पता चलता है कि हमने किस तरह से रिलेशनशिप्स, फर्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप्स होते क्या हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने, अगर हमें पता चल गया है कि अच्छा ये मेरी अम्मा है, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, अपने पीयर ग्रुप के साथ
खेलना, ये सब चीज़ें उनमें आपको नहीं नज़र आएंगी। और पेरेंट्स जब आते हैं वो यही रिपोर्ट करते हैं कि हमेशा ना ये अकेला रहना पसंद करता है, और उनकी बाल सफा ये वर्बेटम भी होता है कि ऐसा महसूस होता है कि ये अपनी ही एक इसकी दुनिया है और अपनी दुनिया में ही बस ये मस्त रहेगा, अपने इसके खिलौने इसको दिए हुए हैं तो ये जगह पे खेलता रहेगा, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसके कजन्स आ जाएं, इसके छोटे बहन भाई हैं, उन चीज़ों उन लोगों में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स क्राइटेरिया ए में। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइटेरिया बी, जहाँ आपके रेपिटेटिव और रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। वो बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ इंटरेस्ट्स भी हो सकते हैं, वो कोई एक्टिविटी भी ऐसी हो सकती है मोटर लेवल पे, एक्शन लेवल पे बच्चों की, लेकिन वो हमेशा रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आएगी कि जिस तरह से है वो उसी तरह से ही करना पसंद करते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी भी आपने ऊंच नीच कर दी, अलग से मेरा एक करंट जो चाइल्ड चल रहा है उसकी मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं कि अगर उसने बस है वो व्हील्स ऑन द बस प्ले कर रहा है अपने एक टॉय के साथ, और अगर आपने उसको रोटेट भी करके रख दिया है तो ही थ्रोस टेंट्रम, ही गेट्स वेरी अपसेट कि आपने उसको चेंज भी क्यों किया है। तो ये होती है इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, जो कि सेकेंड पॉइंट पे मेंशन है कि जिस तरह से चीज़ें हैं उनको वो उसी तरह से रखना पसंद करते हैं। तो अगर आप उसमें चेंज करेंगे, ऐसे ही पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि जी 4 साल का हो गया है लेकिन सवाए ये जो सोकी चीज़ें होती हैं खाने वाली, उनके अलावा किसी चीज़ पे इसको मैं कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, डिफरेंट टेस्ट डेवलप कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये डे वन से वही जो है ना सोकी आइटम्स लेना पसंद करता है, तो आज तक ये वही चीज़ें खा रहा है जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो रही हैं। तो वो क्या होता है बच्चों के अंदर एक ऑब्सेशन वाली चीज़, अगर हम जो है ना इसको पेरेंट्स की बात करें तो जैसे वो रिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं कि ऑब्सेस्ड है अपनी चीज़ों को लेके, लेकिन उनकी वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स होते हैं। फिक्सेशंस में भी यही चीज़ आ जाएगी कि अगर कोई एक्टिविटी, जैसे अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो और वो हाई फंक्शनिंग के साथ हैं तो वहाँ पे उनकी फिक्सेशन मोस्टली होती है एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ। उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, अल्फ़ाबेट्स बहुत पसंद होते हैं। जिस बच्चे की मैंने अभी एग्जाम्पल शेयर की उसकी व्हील्स ऑन द बस वाली की, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद प्लैनेट्स, उसको सारे सोलर सिस्टम का पता है। एक्चुअली वो मुझे सिखा रहा होता है कि किस तरह से प्लैनेट्स की क्या उनकी सीक्वेंसिंग है, और बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें भी उसको पता है, ऑल्दो ही इज़ 4। तो उसकी फिक्सेशन है प्लैनेट्स के साथ, तो वो उनको यूट्यूब पे उसी के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता है। तो इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, एक पिलो हो सकता है, एक वन ऑफ माई किड इज़ फिक्सेटेड विद स्ट्रॉज, जिसे आप वो जूस वगैरह पीते हो रेगुलर स्ट्रॉज होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ही इज़ फिक्सेटेड विद द स्ट्रॉज, उसने जहाँ पे भी जाना है अपने साथ स्ट्रो कैरी करना है। सो इस तरह की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिनके साथ वो डे टू डे यूज़ की हो सकती हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ फिक्स हो जाते हैं और उनकी आप देखते हों कि ऑब्सेशन टाइप जो है ना डेवलप हो जाती है, हर जगह उनको लेके जाना, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करना। और नंबर 1 जहाँ पे स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स हैं वहाँ पे इनको हम कहते हैं स्टिमिंग। ये वर्बल स्टिमिंग भी हो सकती है और ये मोटर स्टिमिंग भी हो सकती है, जैसे कि DSM में ही मेंशन है इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स को अगर आप गो थ्रू करें तो कुछ खास किस्म की पिक्युलर मोटर मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। पेरेंट्स भी आपको रिपोर्ट करते हैं कि हाथों को इस तरह से करना, हैंड फ्लैपिंग जिसको कहेंगे, अगर वो पूरे हाथ को नहीं कर रहे हैं, दे कुड बी जस्ट फिंगर फ्लिकिंग हो सकती है। इसके अलावा रोटेटरी या सर्कुलर मोशन में चीज़ों को करना, और फैंस के साथ जो सर्कुलर वाले होते हैं वो बच्चे फैंस के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं क्योंकि वो सर्कुलर मोशन आपको दे रहा होता है। इसी तरह उनके अगर टॉयज़ हैं और गाड़ियाँ हैं, लेट्स से गाड़ियों के व्हील्स, वो सर्कुलर मोशन आपको एक स्पिनिंग वाली चीज़ वहाँ से आती है, तो ये एक मोटर वाली में आ जाएगी। और वर्बल स्टिमिंग में या वर्बल स्टीरियोटिपिकल एक्शन उनका क्या होगा कि पेरेंट आपको बताएंगे या जब आप खुद ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, कुछ स्पेसिफिक किस्म की साउंड्स होती हैं या फ्रेजेस या वर्ड्स जो कि बच्चे रिपीट पे बोलते जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन, इन चीज़ों का ये मतलब है। द लास्ट थिंग इज हाइपर और हाइपर रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट।
सिंस यू गाइज नो कि हमारे जो भी ये पांच सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी मोडालिटीज़ हैं, इनमें ऑटिस्टिक पर्सन में ये चीज़ भी आती है कि या तो किसी एक में या एक से ज़्यादा भी ये हो सकता है कि विजुअल ऑडिटरी है, ये इकट्ठा भी आ सकता है. कुछ भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई एक ही होगा या दो होंगे, ये वेरिएशन है इसमें. लेकिन किसी भी सेंसरी मोडालिटी में बच्चे या तो हाइपो होते हैं, यानी बिलो स्टिमुलेशन होती है, या हाइपर, जो आपका ऑप्टिमम लेवल है उससे एक हाइपर लेवल पे जाके, एग्जैजरेटेड स्टेट में जाके, एक्सट्रीम स्टेट में जाके, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ी हुई होती है. जिसका मतलब ये है कि लेट्स से अभी मैं इस रूम में बैठी हूँ और यहाँ पे ऑरेंज लाइट्स हैं, तो कोई ऑटिस्टिक पर्सन ऐसा हो सकता है हु इज हाइपर सेंसिटिव टू विजुअल स्टिमुलस. तो अगर वो हाइपर सेंसिटिव है टू विजुअल स्टिमुलस, दैट किड और दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू सिट इन दिस रूम. वो आपसे डिमांड करेगा, बच्चा तो बिहेवियर जो है ना वो थ्रो करना शुरू कर देगा और आपको नहीं पता चलेगा, या पेरेंट्स जब आके बताते हैं तो ये कहते हैं हमें तो समझ नहीं आती, जब इसको घर से बाहर लेके जाते हैं, शॉपिंग मॉल में लेते हैं, बिल्कुल ठीक होता है. एकदम से हम शॉपिंग मॉल में एंटर हुए तो इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने जो है ना रोना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया, मदर से रिपोर्ट करती हैं, मुझे मारना शुरू कर दिया, और ये किसी भी तरह से नहीं संभलता. एट द एंड मुझे इसको गाड़ी में वापस लेके जाना पड़ता है एंड वी हैव टू मूव बैक टू होम. तो इसकी इन चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकती, और इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं. जितना विजुअल स्टिमुलस हम गेन कर सकते हैं, हम उसको परसीव कर सकते हैं, ऑटिस्टिक पर्सन्स ड्यू टू देयर न्यूरो डिवेलपमेंटल डिफरेंसेस, ड्यू टू देयर न्यूरो डिवेलपमेंटल चेंजेस, वो इन चीज़ों को नहीं परसीव कर सकते. उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लोडेड स्टिमुलस हो जाता है कि एट अ टाइम हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सी चीज़ों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं और विजुअल स्टिमुलस भी आ रहा होता है, तो वो इन सब चीज़ों को एट अ टाइम नहीं ले सकते. तो ये डोमेन जो है दैट इज स्पेसिफिक टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. अगर आपके पास कोई इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ भी पेरेंट्स आए, तो आपने लाजमी तौर पे ओटी को जो है ना रिकमेंड करना है कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ से इसकी इवैल्यूएशन करवाएं और वो आपको जो है इसकी सेंसरी रिलेटेड प्लान्स बना के देंगे. बाकी जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर रिलेटेड एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ही डोमेन में आती हैं, तो वो हम मैनेजमेंट में इंशाल्लाह देखेंगे कि इनको किस तरह से हम कैटर कर सकते हैं. ये चीज़ एक छोटा सा मैंने मेंशन किया है, सिंस मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अब DSM-5 TR आ चुकी हैं. तो लास्ट फ्यू इयर्स में, इवन आप कह सकते हो कि सिंस 2013 में हमारी DSM-5 आई थी, उसके बाद से लेके 2023 आ गया, इस एक डेकेड में ऑटिज़म के उतने ज़्यादा जो है ना केसेस रिपोर्ट हुए जितने पिछले किसी साल में रिपोर्ट नहीं हुए. और उस चीज़ को जब रिसर्चर्स ने, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की साइड पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक्सप्लोर किया, तो दे कम अप विद द कंक्लूजन कि बहुत जगह पे ऐसे हुआ है कि ऑटिज़म को मिसडायग्नोसिस जो है ना इसका होता रहा है. कि अगर क्योंकि हमारे टिपिकल बच्चों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स, जैसे मैं वर्बल स्टमिंग की जो मैंने बात की थी, लफ्ज़ों को रिपीट करना, कुछ फ्रेजेस को रिपीट करना, हम टिपिकल बच्चों में भी देखते हैं कि जब वो स्पीच उनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है तो वो वहाँ भी हमें ये सिम्टम नज़र आती है. लेकिन एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपने यही चीज़ तो देखनी होती है कि कहाँ पे साइड, कहाँ पे चीज़ें, कहाँ पे सिम्टम्स, इश्यूज जो हैं वो क्लिनिकल साइड पे चले गए हैं और कहाँ पे वो टिपिकल या नॉर्मेलिटी के पैटर्न में ही फॉल कर रहे हैं. लेकिन उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ग्लोबली ऑटिज़म के काफ़ी ज़्यादा डायग्नोसिस दिए गए विच वर मिस डायग्नोस्ड. इसी वजह से DSM-5 से DSM-5 TR में क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज आया है, जो कि बहुत छोटा सा चेंज है अगर आप इसको रीड आउट करें और कोई मुझे बता सके कि व्हाट्स द डिफरेंस. मैम फाइनली अगर आप क्वेश्चन रिपीट करें कि आपने किस चीज़ में डिफरेंस लाइक हमसे पूछ रही हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ. ये देखें कि DSM-5 में जो ऑटिज्म का क्राइटेरिया ए है, उसकी स्टेटमेंट मैंने ये फर्स्ट वाले में मेंशन की हुई है.
DSM-5-TR में जो क्राइटेरिया एक ही स्टेटमेंट है वो नीचे मेंशन है, ठीक है. Okay. इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क मुझे बताइएगा क्या है. आई थिंक इसमें लिखा हुआ है ऑल, और ऑल का सिर्फ फर्क है सिर्फ कि पहले ये नहीं बताया था कि ये तीनों है, फिर उसमें हुआ कि नहीं ये सब है ऑल का एडिशन हुआ. एग्जैक्टली, द वेरी स्मॉल वर्ड, थ्री लेटर का वर्ड है ऑल, उसका डिफरेंस है जिसकी वजह से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक जो डायग्नोसिस देने वाला डायग्नोस्टिशियन है, उसके लिए एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री हो गई है कि जब तक सबकी सब सिम्टम्स उस बच्चे में नहीं आ रही होंगी, या जिसको भी आप जिस भी एज रेंज में जाके आप डायग्नोसिस दे रहे हैं, अगर सारी सिम्टम्स नहीं हैं तो आप ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं दे सकते, आप वहाँ पे लेबल नहीं कर सकते हैं. तो ये जो है ना काफ़ी छोटा सा चेंज है, बट इट इज़ अ बिग थिंग कि आपने और ज़्यादा एहतियात करनी है जब आपके पास कोई भी ऐसा केस आएगा तो. All right, so this is the introduction of autism we have. Let's move to the management part. Let me share that. तो सिम्टम्स हमने देख ली, हमारे पास सारी एक पिक्चर आ गई कि ऑटिज्म की क्या पिक्चर हो सकती है. अब हमने देखना है कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है. द वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि सब साइकोलॉजी की हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ में इसलिए बताती जा रही हूँ कि प्रैक्टिस क्योंकि करनी है हमने, चीज़ें हम थ्योरी वाइज तो पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल वाइज चीज़ें फ़र्क होती हैं. पेरेंट्स को समझाना और इस तरह से उनको एजुकेट करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर देयर अवेयरनेस, फॉर द एक्सेप्टेंस एंड फॉर द मैनेजमेंट स्पेशली. तो ऑटिज़म जो है वो DSM में हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के चैप्टर में आता है, जिसका मतलब ये है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का में अगर कोई भी बच्चा बंदा फॉल कर रहा है, द फर्स्ट थिंग जो आपने खुद भी जाननी है और आपने पेरेंट को भी साथ में साइको एजुकेट करना है कि जिस कंडीशन के साथ ये बच्चा है इसको हम क्योर नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ नॉट अ कंडीशन जिसको कुछ आपने कुछ ऐसा दिया, कोई दवाई दी या कोई ऐसी थेरेपी लगाई कि उसके बाद आप कहेंगे इतने महीनों बाद या फिर इतने सालों बाद ये चीज़ एंटायरली क्योर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. ये कंडीशन ऐसी है जो कि उसकी क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से है, और जैसे जैसे जो है ना उसकी एज बढ़ती जाएगी, चीज़ें जो हैं वो उसके साथ साथ चलती जाएंगी. और ऑटिज़म की केस में तो ऐसा भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अक्रॉस द डिफरेंट एज स्पैन सिम्टम्स हैं वो वेरी भी करती हैं. तो ये चीज़ें आपने पहले से ही जब आप डायग्नोसिस उसका कर लें बच्चे का, तो आपने फर्स्ट हैंड जब अपनी डायग्नोसिस शेयर करना है पेरेंट्स के साथ तो ये तब ही बता देनी है उनको, ताकि उनको कोई ऐसी गलत फहमी ना रहे या वो किसी क्विकली के हाथ में ना लग जाए कि भाई आप हमारे पास आए हम तो जो है ना इसका ऑटिज्म सिरे से ही ख़त्म कर देंगे या कुछ भी ऐसा, या आपसे ही पेरेंट की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना डेवलप हो कि उनको बाद में क्योंकि पेरेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऑल्दो उनके बच्चे जिस कंडीशन के साथ होते हैं उन्हीं चीज़ों के साथ जो है ना कोप अप करना काफ़ी मुश्किल हुआ होता है, तो फॉल्स होप्स देना और वो सब कुछ ना हमारा काम है और ना ही आपने उन चीज़ों को करना. आपने उनको बता देना है कि दिस इज समथिंग जिसको क्योर तो नहीं किया जा सकता, बट येस देयर आर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स जो कि ऑटिज्म की मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव उनके रिजल्ट्स हैं. ग्लोबली एक जो प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड है और उसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ABA. इसीलिए मैंने ABA को भी साथ में सबसे पहले जो है ना वो मेंशन किया कि हम उसको ज़रा डिटेल में देखें कि ABA हमें किस तरह से बताता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो आपने भी उनको यही चीज़ करनी है कि हम इसके सिम्टम्स को मैनेज करेंगे विद द राइट अप्रोच
एंड द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई कि हम एबीए के साथ वो करेंगे. और आज ही जैसे बात हो रही थी एक मदर के साथ मेरी, तो उन्होंने मुझे यही बोला, द मदर हैज ऑटिस्टिक गर्ल, कि मुझे इसको मेडिसिंस तो नहीं कोई देनी पड़ेंगी. तो आपने यही उनको बताना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो कभी भी कोई मेडिसिंस तो देता ही नहीं है. तो हमारी साइको सोशल इंटरवेंशंस होंगी, और साइको सोशल इंटरवेंशंस जो हैं वो आपको आपके बिहेवियर के ऊपर काम करती हैं, आपके इमोशंस पे, आपके थॉट्स पे काम करती हैं. और इसके साथ साथ कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काम करना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलस ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा होता है. तो ये हमारी साइको सोशल इंटरवेंशंस में ये चीज़ें आती हैं जो हम ऑटिज्म के साथ भी यूज़ करते हैं. उसमें टीच है, सर्ट्स है, और एबीए जो कि आज हम पढ़ेंगे, ये तीनों. इनके अलावा आपने जो है पेरेंट को गाइड भी करना है. और अगर आप अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ मेक श्योर करें कि इन बच्चों के लिए ऑटी को, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि जो सेंसरी मोडालिटीज पे काम करना है वो उनकी स्पेशलिटी है, उनकी कॉम्पिटेंसी में आता है, बच्चों को वो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उनके साथ भी काम करें या रिकमेंड कर दें. इसी तरह से स्पीच और फिजियो भी, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी एक जो है ना इंटरवेंशन होती है ऑटिज्म की, और उसमें ही जब प्रैक्टिस की जाए एज अ टीम तो हमारे पास बेस्ट आउटकम्स आते हैं. एंड द वेरी लास्ट थिंग इज़ कि जोन सी भी आप अप्रोच यूज़ कर रहे हों, जोन सा भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हों, ऑलवेज ट्रेन योर पेरेंट, क्योंकि आप कितनी देर तक जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं. और वैसे भी जो मेरी तालीम है या जो मेरी प्रैक्टिस है वो मुझे यही सिखाती है कि आपका काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, जो कि आप उनको इंडिपेंडेंट बना के कर सकते हैं. तो बार बार या हर चीज़ के लिए थेरेपिस्ट के पास आना वो इंडिपेंडेंसी नहीं, वो डिपेंडेंसी है. तो आप पेरेंट को इतना ट्रेन करें, उनको साथ साथ में चीज़ें सिखाएं. आई ऑलवेज डू दिस. मैं जोन सी भी चीज़ें होती हैं, जोन सी भी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रही होती हूँ, मैं पेरेंट्स को लाजमी बताती हूँ. और वीडियो पे या जिस और इन पर्सन हो सके तो उनको सेशंस जो हैं वो ऑब्जर्व करवाती हूँ कि ये चीज़ इस तरह से करनी है, ये वाला प्रैक्टिस इस तरह से की जा सकती है. क्योंकि आपके पास आ भी रहा है तो वो 30 मिनट्स के लिए, बहुत कह लिया 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आ रहा है, बाकी सारा दिन उसने घर में रहना है, अपने पेरेंट्स के पास रहना है, तो वहाँ भी उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भी और पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को फैसिलिटेट करती है और आपके बच्चे को थ्रू यू इंडिपेंडेंट बनाती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में फंक्शनल बनाती है. सो मैंने जो एबीए के आपको इंट्रोडक्शन दिया उसमें यही चीज़ थी कि ये वेल रिकग्नाइज्ड है, रिसर्च्ड बेस्ड है, और ग्लोबली लेवल पे जो है एबीए इज़ द थिंग जिस जो बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज सारी इसमें आती हैं. तो हम भी इसको गो थ्रू करते हैं कि एबीए में क्या होता है, कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. चूँकि मेरा थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, मैं जब बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि पॉजिटिविटी के साथ जो है वो काम किया जाए. तो एबीए में दो चीज़ें मैं आपको जस्ट लेट यू नो, मैं बता देती हूँ कि एबीए या तो डिज़ायर बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए रीइंफोर्समेंट रिलेटेड सारा कुछ यूज़ कर रहा होता है, और उसी के साथ साथ जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं, उनको डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट और उसकी रिलेटेड जो सी भी उसकी टाइप्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी उसकी सब कैटेगरीज आती हैं उनके ऊपर काम करता है. सिंस हम जिस एरा में जा रहे हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, और अगर आप खुद भी देखें तो पनिशमेंट के ऊपर आपको मिल जाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम्स हैं. आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट, तो मैं वो ना यूज़ करती हूँ, और मैं इसीलिए सिर्फ रीइंफोर्समेंट के ऊपर काम करूँगी कि हम अपने डिज़ायरेबल बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी या ड्यूरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके लाइकलीहुड को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये करती हूँ एंड इट वर्क्स, और हम उसको ही गो थ्रू करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज़ रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट वही चीज़ कि आपके पास कोई बिहेवियर आ गया है, अब आपने ये कोशिश करनी है कि मैंने इसको बढ़ाना है, ताकि मेरा बच्चा अगर एक दफ़ा ये चीज़ कह रहा है तो चांसेस ये हों इन द फ्यूचर कि जब भी उससे ये चीज़ डिमांड की जाए, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए,
तो हर दफा वो यही बिहेवियर करके दिखाए, इस टास्क को करके दिखाए। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास जो है ना रीइंफोर्समेंट में आती है सबसे पहली चीज़, मैं एग्जांपल भी बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने रीइंफोर्समेंट जब यूज़ करनी होती है, आपने देखना होता है कि मेरे बच्चे को ये काम करवाने के लिए मैं ऐसी क्या चीज़ दूँ जो कि उसके लिए फेवरेबल हो, क्योंकि फेवरेबल चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कि आप उस चीज़ को गेन करने के लिए कुछ भी करते हैं। लेट से मुझे जो है ना बीइंग अ स्टूडेंट, अगर हम सब स्टूडेंट्स हैं और हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो अच्छे मार्क्स लेना जो है वो हमारे पेरेंट्स को भी उनको खुशी होती है, हमारे रिकॉर्ड में एक अच्छा जो है ना वो स्टार आ जाता है, आपके ग्रेड्स आ जाते हैं, ए है, ए प्लस है, बी, जो भी आपका प्लान होता है, वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। तो उसको गेन करने के लिए, अपनी उस फेवरेबल चीज़ को गेन करने के लिए हम दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल जो है वो रीइंफोर्समेंट में यूज़ होता है, कि आपने अपने बच्चे का ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और हर बच्चे का कोई ना कोई रीइंफोर्सर ज़रूर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसको बहुत पसंद होती है। और ऑटिस्टिक बच्चों के केसेस में जो है ना, जब हम रीइंफोर्समेंट सर्वे करते हैं, उसलिए हम पेरेंट का भी क्लिनिकल इंटरव्यू जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उनसे भी पूछते हैं कि अच्छा इसको ज़्यादातर क्या चीज़ें पसंद हैं। उसके अलावा जब आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं डायग्नोसिस के टाइम पीरियड पर, तो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, वहाँ पे भी आप बच्चे को देख लेते हैं कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल स्टिमुलस पड़ा हुआ होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको पता चल जाता है उसकी अप्रोच से वो क्या लेना पसंद करता है, किस चीज़ के साथ खेलना या टाइम स्पेंड करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक ये एक चार्ट सा है, इसकी आप लिस्ट भी बना के अपने पास रख सकते हैं। अगर हम ऑटिज़म की चूँकि बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्योंकि उनके सेंसरी मोडालिटीज़ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं, तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप देखेंगे कि जो सेंसरी वाला पार्ट है, वार्म्थ, लाइट, वाइब्रेशन, टच, ये सिर्फ एग्जांपल्स नहीं हुई हैं, इनके अलावा बहुत सी और चीज़ें भी सेंसरी के रीइंफोर्सर में आ सकती हैं, इट कैन वेरी चाइल्ड टू चाइल्ड। तो सेंसरी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इन बच्चों के स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर्स होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसी चीज़ें रखें जो कि ऑडिटरी या विजुअल लेवल पे बड़े फैसिनेटिंग टॉयज़ हों, बड़ी फैसिनेटिंग एक्टिविटीज़ हों, वो प्रेजेंट करें बच्चे के सामने। अगर वो उसको पसंद है, आपने उस चीज़ को नोट कर लिया और आपने अपना पॉइंटर बना लिया कि चलिए इसको पसंद है, सो इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग, आपने एक टास्क सामने रख लिया बच्चे के कि आप ये करेंगे। कोई एक्टिविटी है, चाहे वो पज़ल मेकिंग ही हो सकती है, चाहे वो किसी, अगर आपके पास बहुत छोटा बच्चा आ रहा है और आपने उसको कोई जो है ना वो पेग्स फिक्सिंग का कुछ करवाना है, कुछ भी हो सकता है। या आपको पता है, आपके सामने गोल सेट हुए हुए होते हैं कि मैंने, अब मेरे पास बच्चा आ गया है और मैंने इसका आईपी बना लिया है, तो मैंने इसको क्या गोल करवाना है, गोल आपके सामने है, टारगेट बिहेवियर आपके पास है, और आपने पीछे से जो है उसका रीइंफोर्सर रखा हुआ है अपने पास, आप ये मुझे करके दिखाएंगे, तो यू कैन हैव। स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, उसको किस तरह से किया जा सकता है, वो रीइंफोर्समेंट की ही जो रीइंफोर्समेंट का जो सारा प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड करता जो है वो एक प्रॉम्प्टिंग है। वेयर इज प्रॉम्प्टिंग, आई थिंक काफ़ी आगे चला जाएगा, सो लेट्स फिनिश द रीइंफोर्समेंट फर्स्ट। तो रीइंफोर्समेंट को अगर हम अब ऑटिज्म के केस के साथ जो है वो रिलेट करें, और एएसटी के बच्चे की एक एग्जांपल है यहाँ पे, कि हेल्प द चाइल्ड टू लर्न इसेंशियल डेली रूटीन स्किल्स, क्योंकि हमने रूटीन के जो टास्क होते हैं कुछ बच्चों को वो भी कॉम्प्रिहेंड करने में, उनको लर्न करने में मुश्किल आ रही होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, कि आपका टारगेट बिहेवियर ये है या टारगेटेड गोल ये है कि आपने बच्चे को ब्रशिंग सिखानी है, सही। व्हेनेवर द चाइल्ड कंप्लीट्स अ टास्क इंडिपेंडेंटली, या फिर शुरू में आपके साथ जो है वो विद सपोर्ट, जो कि मैं प्रॉम्प्टिंग की बात कर रही थी, अगर वो वहाँ पे उस तरह से भी कह रहा है जैसे कि आगे मेंशन है, कंप्लीट्स अ टास्क इंडिपेंडेंटली और विद मिनिमल असिस्टेंस, दे रिसीव रीइंफोर्समेंट, जिसकी एग्जाम्पल दी है कि अगर बच्चे का प्ले टाइम विद हिज फेवरेबल टॉय है, जो कि टैब भी हो सकता है, जैसे मैंने स्ट्रोक एग्जाम्पल दी, वो हो सकता है, कोई उसका पिलो हो सकता है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर रखा है, वो आपने उसको दे देना है व्हेनेवर द चाइल्ड कंप्लीट्स द टास्क।
जब आप ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और उसको इतना उसको आपने ये माहौल जो है ना बना के दिया कि आप ये करेंगे तो मैं आपको जो है ना उसके बदले में ये रिवॉर्ड दूंगी. इफ यू आर डूइंग दिस यू आर यूजिंग री इन्फोर्समेंट. तो अब री इन्फोर्समेंट जो है वो भी दो तरह से यूज होती है जो कि उसकी टाइप्स में आ रहा होता है कि एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होती है और इन द ऑपोजिट नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होती है. डोंट गो टू द वर्ड नेगेटिव. इसीलिए मैं प्लस और माइनस का साइन अक्सर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ आई मेंशन दीज साइंस कि इनसे आपको याद रखना आसान होगा कि पॉजिटिव का और नेगेटिव का असल में मतलब क्या है. रीइंफोर्समेंट सुन के हमने देख लिया इट इज समथिंग, इट इज अ स्ट्रेटजी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी दैट इज यूज टू इंक्रीज बिहेवियर, राइट. अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्योंकि हमने रीइंफोर्सर्स भी रख लिए हैं उनका भी देख लिया है, तो जब आप स्पेसिफिक बिहेवियर को करने पे बच्चे को रीइंफोर्सर देंगे, यू एडेड समथिंग, तो उसको एडिशन के सम से या पॉजिटिव को आप एडिशन के जो साइन है उससे याद रखें, यू एडेड समथिंग, तो इसलिए आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज की. लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई चीज रिमूव की है, कोई स्टिमुलस रिमूव किया है, तो वो उसका जो रिमूवल है उसको माइनस करना वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स डू आस्क मी अबाउट दिस. नो मैम, इट्स क्लियर. ओके ओके, सो लेट्स गो थ्रू विद एन एग्जांपल कि अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं और आपने क्या अपना गोल सेट किया हुआ था ग्रीटिंग्स करना, जैसे हेलो बोलना या हैंड शेक करना, दिस इज वन वेरी स्मॉल टारगेटेड बिहेवियर था आपका. एंड अ चाइल्ड फॉलोज सोशल ग्रीटिंग्स, ये उसने फॉलो किया, आपको करके दिखाया आपका जो डिजायरेबल बिहेवियर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड एज अ रिवॉर्ड दे गेट प्रेज. प्रेज करना सोशल रीइंफोर्सर हो जाएगा. अगर आपके बच्चे को प्रेज करना पसंद है, गिव मी हाई फाइव, इस तरह से करके आपने उसको कह दिया है और उसको वही चाहिए था, तो आप सोशल रीइंफोर्सर यूज कर रहे हैं एंड यू एडिड समथिंग, तो आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज किया. अदर देन दैट अगर आपका रीइंफोर्सर जो है वो वीडियो गेम उसको देना है या उसका प्ले टाइम उसको देना है कि ठीक है यहाँ पे हो गया आप जाओ यू कैन प्ले, तो ये एडिशन आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर लेट्स से आप चाइल्ड के साथ टेबल टॉप एक्टिविटी कर रहे हैं एंड यू हैव 3 वर्कशीट्स टू डू, और दूसरी पे आके आप बच्चे को ये देखते हैं कि वो थोड़ा सा ना उसके लिए ज़्यादा हो गया है, मुझे लग नहीं रहा कि ये तीसरी तक जाएगा, तो आपने स्मार्ट प्ले करना है, आपने टेक्निकली जो है ना वो चीज़ों को नोटिस करना है, क्योंकि आप बिहेवियर टेक्नीशियन हैं तो अपने बच्चे के ये सारे बिहेवियर्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आप देख रहे होते हैं. सो टू स्ट्रेंथन हिज बिहेवियर टू फिनिश द टास्क, आपने क्या करना है कि आपने उसके साथ डिसाइड कर लेना है कि अगर आप ये सेकेंड वाली वर्कशीट भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो मैं तीसरी वाली नहीं करवाऊंगी, आज हम तीसरी वाली नहीं करेंगे. सो द रिमूवल ऑफ दैट थर्ड वर्कशीट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो उसे मोटिवेट करेगा और शुक्र है मुझे तीसरी नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका रिमूवल जो है वो उसके सेकेंड एक्टिविटी को, सेकेंड वर्कशीट को पूरा करने में मोटिवेट करेगा, जहाँ पे वो लेथार्जिक हुआ हुआ था और आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से टायर्डनेस या कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपने उसके बिहेवियर को एक्चुअली स्ट्रेंथन किया, इंक्रीज किया कि वो अपने कंप्लीट अपने टास्क को कंप्लीट करे. सो यूजिंग दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड इट वर्क्स. जब हम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं वहाँ पे हमने कुछ जो है स्केजुअल्स भी साथ साथ चलाने होते हैं. सो स्केजुअल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में दो स्केजुअल्स बेसिकली आते हैं, कॉन्टिन्यूस और इंटरमीटेंट. अच्छा, इंटरमीटेंट का ही दूसरा नाम पार्शियल है जो कि यहाँ पे पार्शियल मेंशन है, तो इंटरमीटेंट एंड पार्शियल स्लैश कर लें आप इसको बीच में. अब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करना होता है. The first thing is continuous reinforcement schedule. तो वहाँ पे अब scenario ये है, a child with ASD यानी autism spectrum disorder is learning to communicate using a PECS, यानी कि picture exchange communication, ये speech का एक program है जो कि आप बच्चों को speech development के लिए या communicate करने के लिए, verbally communicate करने के लिए use करते हैं. तो आपने अब बच्चे को कोई जो है ना सिखा रहे हैं कि वो अपना feeder, let's say छोटा सा बच्चा है आपका 3-4 साल का ही अभी,
आपने उसको सिखा रहे हैं कि वो फीडर की डिमांड खुद बोल के किया करे, सही? तो हमने ये स्पेसिफाई कर लिया कि आप उसको ये कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं. सो इनिशियली एवरी टाइम, प्लीज नोटिस, एवरी टाइम द चाइल्ड सक्सेसफुली इंगेजेस अ पिक्चर कार्ड, सॉरी एक्सचेंजेस अ पिक्चर कार्ड फॉर एन आइटम और रिक्वेस्ट, दे रिसीव इमीडिएट रीइंफोर्समेंट. कि जितनी दफ़ा भी बच्चा आपसे बोल के डिमांड करेगा फीडर या आई वॉन्ट फीडर, हर दफ़ा आप उसको उसका रिवॉर्ड जो आपने डिसाइड कर रखा है आप उसको वो देंगे और इमीडिएटली देंगे. ये बात तो हमेशा से डिसाइडेड है कि जब भी आप कोई भी रीइंफोर्सर देंगे आप उसको इमीडिएट देंगे, क्योंकि अगर बीच में डिले आ गया तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग वाली चीज़ आपको पता है वो कनेक्टिविटी डिवेलप नहीं हो पाएगी कि मुझे इस चीज़ के बदले में ये मिला है, तो वो बिहेवियर्स उस तरह से नहीं आएंगे. इमीडिएट वाला तो हो गया, बट द थिंग इन कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज के एवरी टाइम जब भी बच्चा वो बिहेवियर करेगा जो डिजायरेबल बिहेवियर आपने डिसाइड कर रखा है तो आप हमेशा उसको करेंगे. और ये वाली चीज़ हम स्टार्टिंग में करते हैं जब हमने बच्चे को एक उसका पैटर्न सेट करना होता है, उसको स्केड्यूल पे लेके आना होता है कि अच्छा ये बैक एंड फोर्थ करना या गिव एंड टेक करना क्या है, कि आप मुझे करके दिखा रहे हो और उसके रिवॉर्ड में मैं आपको कुछ दे रही हूँ. तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हर दफ़ा जो है वो रीइंफोर्स करना पड़ता है. जब बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, उसके बाद आपने अपना स्केड्यूल चेंज कर लेना. क्यों? क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट आपने उसको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना है, आपने उसको डिपेंडेंट नहीं बना रखना है किसी रीइंफोर्सर पे. तब आप अपने पार्शियल या जो इंटरमीडिएट वाले स्केड्यूल्स हैं आप उस पर शिफ्ट कर जाएंगे. उसमें पीछे वाले हमने जो फ्लो चार्ट था उसमें देखा कि वो इंटरवल भी होते हैं और वो रेशियो भी होते हैं. अब इंटरवल वाला जो है या रेशियो वाला ही, उसमें भी आगे से दो दो टाइप्स आती हैं. यहाँ पे ये मेंशन है कि चाहे इंटरवल है चाहे रेशियो है, वो या तो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा. इसी तरह से रेशियो में भी या फिक्स्ड या वेरिएबल. अब ये कैसे होते हैं, अगेन लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल. अब हम फिक्स्ड रेशियो की बात करें. सो द सिनेरियो इज अ चाइल्ड विद एएसटी इज वर्किंग ऑन कंप्लीटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स. अब फिक्स वाली इसमें क्या चीज हो जाएगी, फिक्स रेशियो वाली, फॉर एवरी फाइव मैथ्स प्रॉब्लम द चाइल्ड कंप्लीट्स दे रिसीव अ स्मॉल रिवॉर्ड, जो कि आपने स्टिकर है या ब्रेक है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल्स के तौर पर मेंशन है. तो चीज़ क्या है कि आपके पास मैथ्स की वर्कशीट है और जब भी वो आपने नंबर फिक्स कर लिया है कि जब भी फाइव सम्स बच्चा कंप्लीट करेगा मैं उसके बाद उसको रीइंफोर्स करूँगी. बट इन ऑपोजिट टू वेरिएबल रेशियो आप क्या केयर कर देखते हैं कि द चाइल्ड रिसीव्स प्रेज एंड अ रिवॉर्ड आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल सोशल इंट्रेक्शन. अब यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज होगी. अगर मैं फर्स्ट वाली एग्जाम्पल को ही देखूँ कि आप मैथ्स के ही सम करवा रहे हैं और कभी आप जो है वेरिएबल में क्या करेंगे, कभी उसने पांच सम्स किए तब उसको रीइंफोर्स कर दिया, कभी दस पे किया, कभी तीन पे कर दिया, कभी सात पे कर दिया, तो ये वेरिएशन आएगी नंबर ऑफ सम्स की कि कभी कितने पे कभी कितने पे. वो इसलिए होता है ताकि बच्चों को अनसर्टेनिटी भी सिखाई जाए. अगेन आपका जो पर्पस होता है उसके सिम्टम्स को देखते हुए कि मैंने उसको किस चीज़ के काबिल बनाना है, बच्चे को कैसे कहाँ तक उसको फंक्शनल जो है ना करना है. तो फिक्स्ड और वेरिएबल में इस तरह से नंबर्स आप फिक्स कर लेते हो या वेरी करते हो, बट द थिंग इज कोई नंबर जो है ना, सॉरी टाइम्स जो है ना, फाइव टाइम्स या थ्री टाइम्स ये वाली चीज़ें आ जाएंगी. लेकिन जो वेरिएबल या फिक्स्ड वाला इंटरवल आता है वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी कि या तो 30 मिनट्स के बाद. अब हम एग्जांपल में ही देखते हैं कि द चाइल्ड रिसीव्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर कंप्लीटिंग देयर मॉर्निंग रूटीन वंस एवरी 30 मिनट्स. कि हर 30 मिनट्स के बाद जब वो अपनी रूटीन को फॉलो कर रहा है तो आप बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे. जबकि वेरिएबल इंटरवल में ये आएगा द चाइल्ड रिसीव स्पेस एंड रिवॉर्ड एट वेरिंग टाइम इंटरवल्स. कभी 10 मिनट के बाद भी आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, कभी 15 मिनट के बाद, 5 या फिर 30 के बाद भी वेरिएशन आ जाएगी आपकी. लेकिन क्या है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आएगी और वहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आएगा. तो ये आपका जो है इंटरवल और रेशियो में फ़र्क होता है. सो देयर कम्स प्रॉम्प्टिंग, जो मैं कह रही थी कि हम जब शुरू में मुश्किल होती है और हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि
पहले उस तरह से उस तरीक़ेकार से बच्चे जो हैं फेमिलियर नहीं होते, आपने उनको फेमिलियर करना होता है, उनके रेपर्टायर में लेके आना होता है कि क्या चीज़ कराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उनको कुछ क्यूज़ प्रोवाइड करना, कुछ सपोर्ट या कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो है उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। तो प्रॉम्प्टिंग उसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ। अब प्रॉम्प्टिंग जो है, जैसे फिजिकल से ये टेक्सचुअल की तरफ आ रही है, विच मीन्स के जब आप फिजिकल, ये एक हायरार्की की तरह है कि आप फिजिकल से, आपका गोल होगा एज अ साइट थेरेपिस्ट कि मैंने अगर प्रॉम्प्टिंग देना शुरू की है तो मेरा ये मकसद, यानी मेरे जहन में है गोल मेरा कि फिजिकल से मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके टेक्सचुअल की तरफ मूव करना है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे मेंशन है कि मोस्ट इंट्रूसिव एंड लीस्ट इंट्रूसिव, वही चीज़ कि वो बच्चे को फिजिकल वाला ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपके, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट को ख़त्म करना है आपने और फिजिकल से टेक्सचुअल की तरफ आना है। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग में होता क्या है कि अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ सिखाई है और आप अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर रख के उसको बता रहे हैं कि इसको कैसे करना है। अगर इसकी एग्जांपल मैं लूँ, आप पेंसिल होल्डिंग लेट से सिखा रहे हैं, कोई राइटिंग का गोल है, जैसे हम पीछे मैथ्स की प्रॉब्लम्स वगैरह की भी बात कर रहे थे, सो इट कम केम अप इन माई माइंड, आप पेंसिल होल्डिंग सिखा रहे हैं बच्चे को या खुद लेटर फॉर्मेशन कोई सिखा रहे हैं, सेल्फ हेल्प के गोल्स जब हम सिखाते हैं तो बटनिंग करना और लेसिंग जो है वो करना, कुछ भी इस तरह का गोल हो सकता है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के उसको सिखा रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल प्रॉम्प्टिंग कंसीडर होगी। जेस्चर में ये है कि आप कोई ना कोई पॉइंट, कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल वे में कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन है, नॉडिंग हेड फॉर यस और शेकिंग हेड फॉर नो। तब आप ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई क्यू दे रहे हैं, तो वो आपकी जेस्चरल प्रॉम्प्टिंग में चला जाएगा। देन वर्बल प्रॉम्प्टिंग में, जैसे कि उसके नाम से मेंशन है कि आप बोल के बच्चे को कोई जो है ना कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सा कोई वर्ड का स्टार्टिंग पार्ट हो सकता है या विस्परिंग कर रहे हैं आप, माउथिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी वर्बल प्रॉम्प्टिंग में चला जाएगा। मॉडल प्रॉम्प्टिंग जो है ना वो आ जाता है, जैसे हमारे कोई रोल मॉडल होता है, हम उसको देख के जो है ना वो सीखते हैं, इसी तरह से आप बच्चे के सामने वही वाला टास्क या वो वाला बिहेवियर परफॉर्म करके उसको जब दिखाते हैं और वो आपको देख के सीखता है तो ये हो जाएगी मॉडलिंग टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग। फिर सेकेंड लास्ट आ जाता है विजुअल, जिसमें आप कोई ना कोई इमेजेस इस तरह के यूज़ कर रहे होते हैं, कोई पिक्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं कि उसके सामने एप्पल की पिक्चर है, या हम पेंसिल होल्डिंग कह रहे थे तो पेंसिल की पिक्चर है, कुछ भी इस तरह से इमेज की सूरत में है तो वो उसको विजुअल प्रॉम्प्ट जाएगा। देन कम्स टेक्सचुअल, कि जब बच्चे जो एकेडमिक साइड पे काफ़ी चले जाते हैं, उनको पता है कि अगर एप्पल का वर्ड लिखा है या पेंसिल का वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसको रीड कर सकें और उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर सकें, तो फिर आपने इमेजेस वगैरह भी हटा देनी है और सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ होगा जो कि देख के उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझसे क्या बात कही जा रही है। अब यहाँ पे इसका जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स मेंशन है, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू ऑटिस्टिक पर्सन, क्योंकि जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी जो सेंसरी वाली चीज़ें होती हैं उनकी वजह से जब हम ये प्रॉम्प्ट्स उनको दे रहे हों तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे फिजिकल वाले की ही हम बात कर रहे थे कि हैंड टू हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करना फिजिकल में आता है। अब अगर आपका कोई ऑटिस्टिक बच्चा है और वो टच सेंसिटिव है और आपने उसका हाथ पकड़ के कुछ सिखाने लगे हैं तो फिर आप उससे चपेड़ खाएंगे या तो, या नेल स्क्रैचिंग, या जो भी वो बच्चा जिस तरह से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, वो एक पुश भी हो सकता है, वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, या फिर वो कोई टेंट्रम भी थ्रो कर सकता है। तो जोन सी भी आप प्रॉम्प्टिंग यूज़ कर रहे हो तो आपने पहले प्री रिक्विजिट्स अचीव कर लेने हैं, उसके बाद वो वाली प्रॉम्प्टिंग आपने देना शुरू करनी है। तो देख लेना है कि मैं अगर बच्चे को टच प्रोवाइड कर रही हूँ और वो बच्चा जो है वो टच सेंसिटिव तो नहीं है, जब तक वो ओटी से टच वाला जो उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी वो यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको नहीं कहती हैं कि हाँ जी आप अब कर लें, तो तब तक आपने उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड नहीं करना है।
जब वो स्टेज पे आ जाए देन स्टार्ट गिविंग इट. जेस्चरल में चूंकि हमने देखा कि सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन के डेफिसिट्स होते हैं, बच्चे अलूफ भी दिखाई देते हैं, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, और आप जो है ना वो मुंह से बोल के या कोई जेस्चर करके यूं करके उसको कोई प्रॉम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो इस प्रॉम्प्ट को देने का कोई फायदा नहीं है. तो जब बच्चे की सोशल इंटरेक्शन इतनी हो जाए तो फिर आप देखें कि मुझे यहाँ पे जेस्चर प्रॉम्प्ट देना जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी भी है या नहीं है. सो आफ्टर अचीविंग दैट मच इंटरेक्शन देन गिव सोशल प्रॉम्प्ट, सॉरी देन गिव जेस्चरल प्रॉम्प्ट. और फिर वर्बल में वही चीज के बच्चा आपको देख रहा है, आपको वो जो मैंने हियरिंग वाली भी बात बताई वो आपकी बात सुनता भी है या नहीं, आपकी कंप्लायंस इतनी आना शुरू हो गई है, देन गिव वर्बल कमांड्स, वर्बल प्रॉम्प्ट्स. और मॉडलिंग में भी यही चीज, आप वो एक्ट पूरा करके दिखा रहे हैं, लेट से ब्रशिंग का है, सही, आपने पूरा ब्रश करके उसको दिखा दिया और बच्चा जो है वो अपने हाथ में उसने कोई अपनी कोई फिजिटी टॉय पकड़ा हुआ है और वो सारा उसमें मगन है, उसने देखा ही नहीं है, तो वो मॉडलिंग आपने जो की उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा. सो द लर्नर मस्ट बी एबल टू इमिटेट द मूवमेंट्स, कि वो देख के आपके एक्शंस को कॉपी कर सके, उसको पता हो कि मैंने किस तरह से ये चीज करनी है, देखेगा तो फिर ही वो इमिटेट कर सकेगा. और इमिटेशन भी इटसेल्फ एक स्किल होती है जो कि आप ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाते हैं, उसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं. तो इमिटेशन वाली स्किल्स भी आपने देखनी है कि वो उसकी इतनी डेवलप हो गई हुई है कि वो मुझे देखेगा और फिर वो इमिटेट कर लेगा इस चीज़ को, देन गिव इट. और विजुअल में भी द लर्नर मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्यू प्रोवाइडेड. इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो देती होती हूँ कि वन ऑफ माय इंटर्नीज जिसको मैंने टास्क दिया था कि वो विजुअल कार्ड्स बना के लेके आएंगी, तो उन्होंने बच्चे को हमने टॉयलेट का जो है ना वो एक विजुअल क्यू देना. अब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हम यहाँ पे हम लोग भी या बच्चे भी फेमिलियर हैं या तो कमोड के साथ या फ्लश के साथ जो कि रेगुलर घर पे यूज़ होते हैं. अब उस बच्ची ने जब जो इंटर्नी है मेरी, उन्होंने जब इसका इमेज विजुअल इमेज निकाला और विजुअल कार्ड बनाना था, तो जो शायद अब आजकल कहीं शॉपिंग मॉल्स में वो होते हैं जो मेल साइड पर होते हैं कि आप खड़े होकर उसमें यूरिनेट करते हो, वो वाला इमेज निकाल लिया. तो बच्चे को तो उसको देख के, वो उससे फेमिलियर ही नहीं है, उसको इमेज उस इमेज को देख के उसको पता ही नहीं है इसका क्या मतलब है. तो आपने वो इमेजेस रखने हैं, वो आपकी जो है ना ग्राफिकल डिपिक्शन या इलस्ट्रेशन होनी चाहिए जो बच्चा समझ भी सके. तो इस वजह से आपने ये भी, इसी तरह से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई सिंध वाली साइड से भी इस तरह से बच्चे थे, तो मैं रेड एप्पल का उसकी मदर ने बताया कि उसको नहीं पता था साइड की होने की वजह से ये क्या था, बट इस तरह का कुछ सीन हुआ था, ही इज फेमिलियर विद ग्रीन एप्पल्स ओनली. तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो उनसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, जो उनसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी एफिकेसी तभी होगी जब इन चीज़ों की जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो मेट हुए हुए होंगे. सो द टेक्स्टुअल, अगेन जो वर्ड लिखा हुआ है बच्चा उसको पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, उसके उस लिखे हुए लफ्ज़ का मतलब, यानी उसकी कॉम्प्रिहेंशन, एप्पल का वर्ड लिखा हुआ है तो इस वर्ड का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं. क्योंकि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, बाज़ दफ़ा क्योंकि उनकी विजुअल लर्निंग बहुत अच्छी होती है ना, तो वो एक टेक्स्ट को जो वर्ड है उसको भी पिक्चर की फॉर्म में याद कर लेते हैं. इसीलिए हम जब उनको, जब स्पेशल एजुकेशन वाली साइड आती है इन बच्चों के साथ जो एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, उनको साइट रीडिंग कराई जाती है, क्योंकि वो वर्ड्स को भी एक पिक्चर की फॉर्म में परसीव कर लेते हैं और उसी तरह से वो उसको समझना शुरू कर देते हैं. तो साइट रीडिंग कराई जाती है. आपको ये पता होना चाहिए कि वो इस वर्ड के मतलब से भी फेमिलियर है, वो जानता है या नहीं. प्रॉम्प्टिंग जब हम यूज़ करते हैं, और जो मैंने बात की थी कि आपने मोस्ट इंट्यूसिव से लीस्ट इंट्यूसिव की तरफ आना है, यानी कि मोस्ट डिपेंडेंट से फिर इंडिपेंडेंसी की तरफ आना है, तो ये जो आप आ रहे होते हैं हायरार्की में विजुअल, सॉरी फिजिकल से टेक्सचुअल में जो आप आ रहे होते हैं, फेड आउट कर रहे, ये जो आप विदड्रॉ कर रहे होते हैं अपनी स्पोर्ट को, इसको हम कहते हैं फेडिंग. तो ये भी ऐसा थेरेपिस्ट आपने ये एक चीज़ रखनी है कि जहाँ जहाँ पे बच्चा जिस चीज़ के साथ उसने मास्टर कर लिया, उसने वो लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी उस सपोर्ट को, क्यूज को विदड्रॉ कर लेना है, और विदड्रॉ करना जो है फेडिंग. अब ये जो है वो
जैसे मैं कह रही हूँ कि फिजिकल से टेक्सचुअल तक आना, ये इस तरह की फीडिंग भी हो सकती है। बास बच्चों के साथ आपको और ज़्यादा जो है ना वो डीप जाना पड़ता है और विद इन द टाइप भी आपको फीडिंग करना पड़ती है, जिसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर आप वर्बल प्रॉम्प्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, और वर्बल प्रॉम्प्टिंग में आप पहले जो है एग्जाम्पल जैसे है कि व्हाट इज़ दिस, थेरेपिस्ट आगे से खुद ही क्योंकि इको ले लिया कि मैनेजमेंट हम ऐसे ही कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, और आगे से आप आंसर भी खुद ही बता रहे होते हैं, और इसीलिए मेंशन है व्हाट इज़ दिस पेंसिल, तो पेंसिल उसका जो है ना वो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है। तो इनिशियली आप क्या करेंगे, आप जिस तरह से आपकी जो सी भी नेचुरल टोन और पिच है आप उसी में पेंसिल का वर्ड बोलेंगे। जब उसने वो लेवल अचीव कर लिया तो सक्सेसिवली आप जो आपका वॉल्यूम है उसको फिर लो करेंगे। लो करने के बाद आप उसी वर्ड को विस्पर करना शुरू करेंगे, और फिर आप माउथिंग करना शुरू करेंगे, और उसके बाद माउथिंग भी नहीं करेंगे। तो ये जो वर्बल प्रॉम्प्ट को आपने आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फेड कर रहे हैं, उसको जो विदड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज फेडिंग। नेक्स्ट कम्स शेपिंग। सो शेपिंग जो है वो भी ए बी ए की एक बड़ी मज़े की जो है ना वो एक टेक्निक है, जिसमें आपके जो बिहेवियर्स आप उस तरह के बच्चों को सिखाते हैं जो कि करंटली उनके रेपर्टायर में नहीं होते, न्यू स्किल्स आप सिखा रहे होते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये है कि आपका इनिशियल जो है वो बिहेवियर बच्चे का क्या है, स्टार्ट विद द चाइल्ड्स करंट बिहेवियर इफ दे टिपिकली अवॉइड आई कॉन्टेक्ट इंटायरली। फर्स्ट थिंग इज कि वो बिल्कुल ही आई कॉन्टेक्ट नहीं देता है बच्चा, सो बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग दिस बिहेवियर विदाउट जजमेंट, जो कि एज अ थेरेपिस्ट आपका काम होता है। अब आपने इस बिहेवियर उसके आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आपने लेना है, तो आप स्टार्टिंग चीज क्या करेंगे, ब्रेक डाउन द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इन टू द स्मॉलर स्टेप। स्टेप वन में क्या आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट। स्टेप टू में आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ टर्निंग द हेड, अभी वो आपको देख नहीं रहा है लेकिन अगर आपने उसका नाम लेके, लेट से फरवा है नाम बच्चे का, और आपने फरवा कहना है और साथ ही उसको प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड करना है, और उसका जो अपनी तरफ आपने फेस टर्न किया, अगर उसने ये टर्न कर लिया है आपके कहने पे, आपको कंप्लायंस दी है, तो आपने वो चीज़ वहाँ पे उसको रीइंफोर्स करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। टारगेटेड बिहेवियर अभी आपका आई कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपने उसको स्मॉलर टास्क में, स्मॉलर टारगेट्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया, और जब ये टर्न उसने हेड किया वहीं पे आपने उसको अप्रिशिएट किया बिल्कुल इस तरह से जैसे कि उसने जो अल्टीमेट गोल था वो अचीव कर लिया हो। लेकिन जब आपने क्या, आपको पता है कि अल्टीमेट गोल क्या है, टर्निंग हेड में जब उसने अचीवमेंट हासिल कर ली, उसके बाद आपने गेजिंग ब्रीफली एट द पर्सन फेस, अभी सिर्फ फेस की तरफ है, विच इज अगेन ब्रॉडर थिंग, gazing at the person's eyes for a few seconds, ये मजीद अभी broader है, लेकिन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने decided ultimate goal की तरफ लेके आ रहे हैं। चीज़ क्या है कि shaping में जो उसकी definition है यहाँ पे, it is used, sorry, shaping is defined as the differential reinforcement, के जो आपका desired behavior है अभी वो achieve नहीं हुआ, since psychology की हैं तो PCLM के सब्जेक्ट में आप जो पिजन के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम एग्जैक्टली यही चीज़ कह रहे होते हैं कि पहले बाहर से स्टिमुलस देते हैं जो कि लाइट ऑन होती है अंदर केज में, और पिजन को पता चलता है कि मुझे इस तरफ आना है, तो उसका उस तरफ देखना ही, वहीं पे आप उसको फूड दे देते हैं, और आप उसका जो है ना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होती है कि आहिस्ता आहिस्ता भी उसने उस तरफ देखा, फिर वो उस तरफ आया, फिर उसने वो जो एक सुराख सा बना होता है अगर वो उसमें अपना जो है वो हेड डालता है, पैग अपनी डालता है, तो आहिस्ता 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 फिर आके उसको पता चलना शुरू होता है कि अच्छा मुझसे एंड में क्या चीज़ मांगी जा रही है। लेकिन जो आपने स्मॉलर स्टेप्स पहले से बनाए होते हैं आप वहीं पे रीइंफोर्स करते चले जाते हैं ताकि रीइंफोर्स वो स्ट्रेंथन हो बिहेवियर, और फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथन होता जाएगा अगले अगले स्टेप पे आप शिफ्ट करते चले जाएंगे, और एट द एंड आपके पास आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपके पास होके सामने आ जाता है। सो दिस इज़ वट वी डू इन शेपिंग, जो कि बहुत से जो भी आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। शेपिंग के बाद आता है हमारे पास स्टिमुलस कंट्रोल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको हम मज़ीद जब टीच और सर्च करेंगे इंशाल्लाह उसमें भी देखेंगे कि वहाँ पे इसकी स्टिमुलस कंट्रोल की सबसे जो है ना
मजे से पता चलता है बड़े डिटेल में कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। स्टिमुलस कंट्रोल में क्या आप करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को इस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसको वहाँ पे उतना ही स्टिमुलस उतना ही मटेरियल रखते हैं जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, जो कि बच्चे की नीड के मुताबिक सिर्फ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग अ विजुअल स्केड्यूल फॉर द चाइल्ड, जो कि उसको बता रहा हूँ कि उसकी डेली रूटीन क्या है। तो ये जो आपने कंट्रोल रखा हुआ है अपने उसके रूम में, हो सकता है आपका थेरेपी रूम हो सकता है या बच्चे के घर में हो सकता है, तो ये जो आपने कंट्रोल प्रोवाइड किया है दैट इज स्टिमुलस कंट्रोल, जिसको अब हम सारा जो है ना वो टीच में और सर्ट्स में देखेंगे। वहाँ पे मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि विजुअल स्केड्यूल्स की वहाँ काफ़ी डिटेल है। सो टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी जो है वो भी एक बहुत मज़े की जो है ना वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसको मैं एग्जांपल से ही बताती हूँ तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि अब आपने टोकन इकोनॉमी में आपने क्या करना है कि आपने ये जो फर्स्ट ये वाला बॉक्स है यहाँ पे आपने अपना कोई ना कोई डिज़ायरेबल गोल रख लेना है। लेट से कंप्लीटिंग 5 वर्कशीट्स हैं, ठीक है, और क्योंकि नीचे 5 बॉक्सेस हैं तो इसलिए मैंने 5 को स्पेसिफाई कर दिया कि आपका गोल ये है कि आपने अपने बच्चे से 5 वर्कशीट्स जो है ना वो कंप्लीट करानी है, या फिर 5 कोई एक्टिविटीज हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपने अपने बच्चे से ये कहना है कि जब आप एक एक्टिविटी करोगे तो उसके रिवॉर्ड में आपको 1 स्टार मिलेगा, ठीक है, और 1 स्टार चूँकि 5 बॉक्सेस बने हैं तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी उसके पास आ रही है कि टोटल मुझे 5 स्टार्स गेन करने हैं। जो नीचे कार्ड्स दिए हुए हैं इनका मतलब ये है कि ये ऑप्शंस हैं और ये बच्चे के रीइंफोर्सर्स हैं, इन ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको पसंद हैं और आपको पता है, इसलिए आपने उनको मेंशन किया। आपने उसके साथ ये जो है ना टोकन इकोनॉमी में डिसाइड कर लेना होता है कि अगर आप 5 के 5 स्टार्स गेन कर लोगे तो इनमें से कोई भी चीज़ आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी कराने से ही आपने उसका जो इनको बैकअप जो है रीइंफोर्सर्स कहते हैं, ये आपके जो स्टार्स लगे हुए हैं ये टोकन्स होंगे, और जो नीचे वाले कार्ड्स आपने रखे होते हैं जिनमें रीइंफोर्सर्स होते हैं ये आपके बैकअप कार्ड्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर वो 5 स्टार्स अचीव कर लेगा तो उनके बदले वो इन चारों में से कोई एक चीज़ ले सकता है, या आपने प्री हैंड डिसाइड उसके साथ कर लेना है। अब हम अगर स्पेसिफाई करें कि आपके बच्चे ने 5 स्टार्स के बदले में कैंडीज जो हैं उसको डिसाइड कर लिया है, तो आपने कैंडीज का ये विजुअल कार्ड यहाँ से उठा के इधर रख देना है, और अब उसको बच्चे को पता है कि मेरा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, आई एम वर्किंग टू गेन दैट कैंडी, ठीक है, या फिर वो वीडियो गेम भी हो सकते हैं, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं उसके साथ कि मेरा ये एंड गोल है कि मुझे ये जो 5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है उसके बदले में मुझे कैंडीज मिलेंगी। सिंस हमने यहाँ पे बॉक्सेस भी बना रखे होते हैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो जैसे जैसे वो एक वर्कशीट या एक एक्टिविटी या एक कोई भी गोल है आपका उसको करता चला जाएगा, तो आप यहाँ पे आपके ये एडिशनल स्टार्स के कार्ड्स पड़े होते हैं आप यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, 2 काम कर लिए 2 एक्टिविटीज़ कर ली, लगा दी, 1 by 1 आप इसको लगाते जाएंगे। When the child completes these 5 goals, तो अब उसको पता है कि इन 5 के बदले में मुझे यहाँ पे जो चीज़ मैंने बैकअप में रखी हुई है मुझे ये मिलेगी। अब ये स्टार्स वाली चीज़ इसलिए यहाँ पे मेंशन है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्स की शेप के साथ और ऊपर से आपने इमोजी उसके ऊपर बना दिया वो उनके लिए फैसिनेटिंग होता है, तो आपने ये जो है ना इसको वेरी कर लेना है अपने बच्चे के मुताबिक और देखना है कि मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है, और ये हर बच्चे के लिए फ़र्क हो सकता है। यहाँ पे कोई स्टोन्स भी रखे जा सकते हैं, स्टोन्स को भी यूज़ किया जा सकता है, कॉइन को भी यूज़ किया जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे मैं अपने स्ट्रो वाले बच्चे की बता रही थी तो मैं उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ मैं उनको ही कि अगर आप ये 5 गेन करोगे तो उसके बदले में हम उसको वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, उसको एनिमल्स पसंद हैं तो हम बैकअप रीइंफोर्सर वो रख लेते हैं। सो अगेन दिस थिंग क्या होता है उसके साथ कि आपका जो डिज़ायर बिहेवियर है वो अचीव हो जाता है, जो आप कराना चाह रहे हो वो बच्चा आपको करके दिखाता है। ये एक और टोकन इकोनॉमी की ही एग्जांपल है जिसमें जो है ये जहाँ पे सारे टारगेटेड बिहेवियर्स मेंशन है और हर बिहेवियर को करने के लिए क्या पॉइंट्स हैं वो भी ऑलरेडी मेंशन है। तो जैसे जैसे बच्चा ये एक एक टारगेटेड बिहेवियर करता चला जाएगा तो आप उतने पॉइंट्स उसको देते चले जाएंगे, और जो टोटल पॉइंट्स हैं वो आपने चूंकि पहले से डिसाइड किए होंगे, आपने बताया हुआ होगा कि कितने पॉइंट्स आप गेन करोगे तो आपको बैकअप रीइंफोर्सर मिलेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर होता है बच्चे का।
अब यहाँ पे इस केस में, इस एग्जाम्पल में उसने 20 पॉइंट्स गेन किए हैं, जिसके बाद उसको बैकअप रीइंफोर्सर दिया गया है. सो क्विकली लेट्स मूव टू द टीच एंड सर्च, जो कि हम इंशाल्लाह ये इन 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे. सो हमने चूंकि 10 मिनट्स लेट किया था तो मैम आपने कहा कि पॉइंट्स बता रहे हैं, मगर ऑटिज्म के ऐसे बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं समझते, उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, तो हम कैसे अपनी बात बचाएंगे कि ये हमने डिसाइड किया है. हम लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं जो हमने आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आप सब क्वेश्चंस अपने नोट कर लो, तो लास्ट 10 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे. इज दैट ओके? ऑल राइट. सो स्क्रीन आई थिंक मेरी विजिबल है, मैंने उसको स्टॉप तो नहीं किया था, इज इट स्टिल विजिबल? हेलो, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम, सॉरी, जरा बैकग्राउंड में जनरेटर नॉइज है, प्लीज डू कोऑपरेट. लेकिन मैम आपकी जो स्लाइड्स हैं वो विजिबल नहीं है. अच्छा, मैं स्लाइड्स जो है मैं दोबारा प्रेजेंट वाला में करती हूँ, लेकिन इस वक्त दूर दूर तक कोई शोर नहीं है. मुझे नहीं पता क्या सबको इस तरह से आवाज आ रही है. नहीं नहीं मैम, ऐसे कोई बात नहीं. नो मैम, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मेरी तरफ ये नॉइज डिस्टरबेंस है. ऑल राइट, कोई मसला नहीं. अच्छा, मैंने क्या ख़राब किया है जो कि आपको स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही? लेट मी सी दैट. ओके, सो अब हमने टीच एंड सर्च करना है. हियर इट कम्स. इज इट विजिबल नाउ? यस मैम, इट्स विजिबल नाउ. ओके, गिव मी अ मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करती हूँ. क्या मसला हुआ है? हो गया. सो हम जो स्टिमुलस कंट्रोल में विजुअल स्केजुअल्स की एक हमने एग्जांपल देखी थी, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो कि छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं. लेकिन एबीए को मैंने डिटेल में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे भी मोस्टली इंस्टीट्यूट सेंटर्स में हमें सिखाया वो जाता है और यूज़ भी वो होता है. लेकिन टीच और सर्ट्स बहुत ही मज़े के प्रोग्राम्स हैं, और ऑटिज़म के साथ आप इतना इक्विप्ड फील करते हो जब आप टीच के प्रोग्राम को यूज़ करते हो. बहुत सी चीज़ें, बहुत से बिहेवियर्स जो हैं वो आते ही नहीं हैं जब हम टीच के प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हों. क्योंकि हम उसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों प्रोग्राम्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कि एबीए में बिल्कुल भी वो चीज़ें केटर नहीं हो रही होती. अब फर्स्ट थिंग इज़ के ऑटिस्टिक पर्सनस हैं, उनके पेरेंट्स को अभी उन चीज़ों की समझ नहीं होती कि बच्चे ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ऐसे बिहेवियर्स क्यों आ रहे हैं. तो सर्स और टीच जो है ना, वो इस तरह से हमें बताता है, हमें फैसिलिटेट करता है कि क्योंकि वो भी इंसान हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि सर्स हमें बताता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि वो बच्चा इंसान है, जिस तरह से हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चीज़ें हमें बोदर करती हैं, हमें अपसेट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो उनको भी अपसेट कर रही होती हैं. तो जो इतना शोर एक मचा हुआ होता है कि फलाने बच्चे का टेंट्रम आ गया है, या उसके टेंट्रम्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे, या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, पेरेंट्स इतने पैनिक होके आपके पास आ रहे हैं कि ये यूं करता है या वैसे करता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता कि मैं इसको कैसे करूं. तो ये वो दो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मुझे मिले और मैं यूज़ करती हूं और मैं आगे पढ़ाती भी हूं इन चीज़ों को कि प्लीज़ आप लोग भी इनका ख्याल रखा करें. फर्स्ट थिंग इज़, आपने बच्चे को इंसान समझा तो उसके इमोशंस का कंपोनेंट आ गया वहाँ पे. जब आप उसके इमोशंस का कंपोनेंट आ गया तो वहाँ पे अब हमने उसकी इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसको भी इतना जो है ना इनेबल बनाना है कि वो भी अपनी इमोशंस को और अपनी उन सारी बिहेवियर्स को समझ सके. तो अब वो हमें बताएगा सर्ट्स कि आपने कैसे करना. क्योंकि सर्ट्स जो है, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें हैं. हम देखते हैं सर्ट्स हमें बताता क्या क्या. सो सर्ट्स जो है बेसिकली ये इन चीज़ों की एब्रीवेशन है. एस सी स्टैंड्स फॉर सोशल कम्युनिकेशन,
ER stands for emotion regulation and TS stands for transactional support. अब सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑटिज्म का फर्स्ट क्राइटेरिया ही ये था कि सोशल कम्युनिकेशन इंटरेक्शन में डेफिसिट आ रहा होता है, तो जो सोशल कम्युनिकेशन का जो इसका डोमेन है या सबसेट है, वो हमें ये चीज़ें बताता है कि आपने किस तरह से बच्चों की कम्युनिकेशन पे काम करना है कि उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल हो, यानी कि एक्सप्रेसिव हो. आप उसको कैसे कर सकते हो? इमोशन रेगुलेशन, जैसे हमें नाम बता रहा है, जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि यहाँ पे इमोशनल रेगुलरिटीज़ के ऊपर आपने काम करना होता है, क्योंकि आप पहले इमोशनल स्टेट को तो समझो. इमोशनल स्टेट को जब आपने समझना शुरू किया तो इरेगुलरिटी को आपने रेगुलरिटी में मॉडिफाई किया, और जब वो मॉडिफिकेशन हुई तो बिहेवियर्स खुद ब खुद ख़त्म हुए. क्योंकि बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक पर्सन्स के लिए, चीज़ों को जैसे हम परसीव कर रहे होते हैं वो उस तरह से परसीव नहीं कर रहे होते. अब अचानक से अगर हम लोगों की जैसे सब फेमिलियन हैं, पावर शॉर्टेज होती है, लाइट जाती है, ठीक है. अब हम सबको पता होगा हर एक ही एरिया में ना टाइमिंग्स फिक्स होती हैं. अब अगर अचानक से उस टाइम के अंदर बाहर लाइट चली गई है, हम भी अपसेट होते हैं, ठीक है. लेकिन हम उस चीज़ को समझ जाते हैं फिर कि क्या किया जा सकता है. इट इज़ अनसर्टेन, ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ हुई है. तो ऑटिस्टिक पर्सन्स जो हैं वो अपनी न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से उस चीज़ को समझ नहीं पाते. अगर समझ आ जाए तो अनसर्टेनिटी को ग्रैस्प करना वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो ये दो प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि हमने अनसर्टेनिटी को किस तरह से प्रिडिक्टेबल बनाना है. सिंस बीइंग इन अ रियल वर्ल्ड, हम हर चीज़ को नहीं बना सकते, लेकिन जो जो उनसे ट्रिगर्स हमें पता चलना शुरू हो जाते हैं, एटलीस्ट उन ट्रिगर्स को या अपने थेरेपी रूम को, अपने थेरेपी सेंटर को, पेरेंट्स को इतना इक्विप कर सकते हैं कि ये चीज़ें जहाँ पे आपने रिपोर्ट किया कि बिहेवियर्स आ रहे हैं, टेंट्रम्स आ रहे हैं, मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ों को यहाँ पे इन्वायरमेंट को, एक्टिविटीज़ को, अपने गोल्स को, उसके लिए प्लीज़ प्रिडिक्टेबल बनाएं. तो जब हम प्रिडिक्टेबल बनाएंगे तो फिर वो अपसेट नहीं होंगे, बच्चों की एंग्जाइटीज़ नहीं आएंगी. जो हम स्टमिंग की हमने बात की थी, वर्बल एंड मोटर स्टमिंग, वो बच्चों की या तो वो ख़ुद को सेल्फ प्लेयर जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी एक ये रीज़न होती है, और उसकी दूसरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है ड्यू टू एंग्जाइटी. बहुत सी चीज़ें उनको परेशान कर रही होती हैं, उनको एंशियस कर रही होती हैं, वो इस वजह से स्टिमुलेट करते हैं अपने आप को कि वो चीज़ को वो तो नहीं कर रहे, फिर वो कोई ऐसी मूवमेंट करेंगे जो कि उनको काम डाउन करने में हेल्प कर रही हो. सो इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी. और ट्रांजैक्शनल सपोर्ट जो है वो आपके फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर आपको बताता है कि उसको किस तरह से करें, आप उसको किस तरह का बनाएं कि वो बच्चे के लिए प्रिडिक्टेबल हो. सो सोशल कम्युनिकेशन में आप दो चीज़ों पे काम करते हो, जॉइंट अटेंशन एंड सिंपल यूज. जॉइंट अटेंशन में क्या होता है, क्योंकि हमने सोशल इंटरेक्शन के ऊपर काम करना होता है, तो यहाँ पे आपको सर्च बताता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं या इस तरीके कार से आप काम करें कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव हो. उसके लिए आपने उसका आई गेज लेना है, उसका आई कॉन्टेक्ट लेना है. और आई कॉन्टेक्ट लेने के लिए जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है नीचे पिक्चर्स में कि ये एक रेटल सा जो है ना, वो एक पता नहीं क्या इसको कहेंगे, क्या नाम है इस टॉय का, लेकिन आपको बहुत कॉमन मिलता है. हमारे घर में बच्चे भी इस तरह के टॉयज ले रहे होते हैं जिसमें से आवाज़ भी आती है, और ये डॉग की जो है ना अपनी जो वुफ वुफ वाली साउंड है वो है इसमें, और उसकी एक जंपिंग का एक्शन जो है वो इन्वॉल्व है. अब आप फर्स्ट पिक्चर में देखें बच्चे को, सेकेंड पिक्चर में देखें, सेकेंड पिक्चर में वो उस टॉय के साथ जो है वो इन्वॉल्व हुआ है अपनी एक्टिविटी में, जो उसका प्ले टाइम ये चल रहा है, और उसने सेकेंड वाले में, फर्स्ट में वो टॉय को देख रहा है, सेकेंड वाली में वो अपने सामने बैठी हुई थेरेपिस्ट को लुकिंग टूवर्ड्स द आईज, लुकिंग इन टू द आईज, और थर्ड वाली में दोबारा से वो टॉय को देख रहा है. तो ये जो एक चीज़ होती है कि गिविंग योर अटेंशन टू द ऑब्जेक्ट एंड टू द persons, जो कि हम अपनी टिपिकली नॉर्मली कॉन्वर्सेशंस में कर रहे होते हैं, हमारे टिपिकल बच्चे जब हम उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वो ये चीज़ करते हैं. तो सर्ट्स का जो सोशल कम्युनिकेशन में जॉइंट अटेंशन वाला जो एक
डोमेन है वहाँ से हमें पता चलता है कि अच्छा बच्चों की सोशल इंटरेक्शन पे आपने इस तरह से काम करना है, जो कि उनकी सबसे पहली ही क्राइटेरिया, एक ही जो सिम्टम्स आती हैं वो वहाँ पे हमें काम करना सिखाता है। बच्चों की इंटरेक्शन इम्प्रूव होती है, उनका आई कॉन्टेक्ट इम्प्रूव होता है, और जब उनका आई कॉन्टेक्ट, तो जो हम प्रॉम्प्टिंग की बात कर रहे थे कि हमने वो प्री रिक्विजिट्स मेंटेन करने होते हैं, उनको मीटअप करना होता है, फिर ही हम आगे चल सकते हैं, तो ये उनमें से एक में आपको हेल्प आउट करेगा। आपको बच्चा देखेगा, इंटरेक्शन डेवलप होगी, और उसके साथ साथ वो जब आप मदर को देख रहा है या अपने थेरेपिस्ट को देख रहा है, तो वो उसके साथ फेमिलियर होना शुरू हुआ, जो कि उसकी थर्ड सिम्टम्स में आ रहा था ना, डेफिसिट्स इन रिलेशनशिप मेकिंग, क्योंकि फेमिलियर नहीं होते, वो आपको देखते ही नहीं है। तो यहाँ से एक बड़ा मज़े का जो है ना, वो आपका थेरेप्यूटिक काम जो है वो चलना शुरू होता है। और अगेन एक और चीज़ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ, जब बच्चा आपको देखना शुरू कर दे और उसकी ये चीज़ जो है वो अचीवमेंट लेवल पे आना शुरू हो जाए, स्टार्ट एडिंग वर्ड्स। अब जैसे इसी पिक्चर में, इसी एग्जाम्पल में हम देखें, तो बड़ी मजे से हम जो है ना, जैसे डॉग जब उसकी साउंड आ रही है वो फुफ की, तो थेरेपिस्ट जो है या आप जब काम करें, आप भी उसी साउंड को रिपीट करें, तो बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, वो आपकी लिपसिंग को भी देखेगा, और उसके फर्स्ट वर्ड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगे। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन जॉइंट अटेंशन। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट उसका आता है सिंबल यूज। सिंबल यूज जो है वो हमें बताता है कि आपने किस तरह से नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ है, क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो 70% कम्युनिकेशन हमारी वो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, हमारी आई गेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में हमारे हाथों का इस्तेमाल, हम जिस तरह से लिपसिंग कर रहे हैं, जिस तरह से माउथिंग कर रहे हैं, कभी इधर को जा रहा है, कभी हाँ, ये वाली भी, ये हमारी नॉन वर्बल में चली जाती हैं। तो ये हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी कॉन्वर्सेशन का 70% जो है वो नॉन वर्बल पे ही जो है ना वो कम्पोज होता है। तो यहाँ से फिर सिंबल यूज आपको बताता है, जो कि मैं जल्दी से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जब समझाऊंगी तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। हेयर इज द पिक्चर, जो कि आपको सिंबल यूज सिखाता है कि आपने जब बच्चे को बताना है, लेट्स से मेरे पास ही अगर बच्चा एक घंटे के सेशन के लिए आया है, और मैंने ये क्यूज जो है ना लगा रखे हैं, और उसको देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा सर्कल टाइम जो है उसमें सिंबल उन्होंने यूज किया हुआ है कि बच्चे एक दायरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये बैठ के जो है ना एक साथ नीचे फ्लोर टाइम पे करने वाली कोई एक्टिविटी है। तो इस सिंबल को देख के जो है ना एक चीज आपको पता चलती है, एक कॉम्प्रिहेंशन आती है कि अच्छा इसमें एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। क्योंकि हमने बात की ना, जब सिम्टम्स की बात की, कि को नहीं पता चल रहा होता कि मुझसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा रही है, जो हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो उनके डिफरेंट है उस चीज से, तो इसीलिए हमने ये चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके। अच्छा एक चीज इसमें यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म हु मे एक्सपीरियंस चैलेंजेस विद वर्बल लैंग्वेज, क्योंकि ऑलरेडी उनके डेफिसिट्स हैं स्पीच लेवल पे भी, वर्बल में भी और नॉन वर्बल, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम ABA में कर रहे होते हैं, वहाँ कोई ऐसे विजुअल क्यूज और उन चीज़ों की बात नहीं हो रही, आप वर्बली ही सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आप देखिए, एक मसला ही यही है कि बातों की समझ नहीं आ रही। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने यही कहा, पेरेंट आपको बताते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ, मैं इसको बुला रही हूँ, इससे बात कर रही हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे सुन ही नहीं रहा ये बच्चा। इतना ज़्यादा वो चीज़ फील होती है कि आपको हेयरिंग के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है कि इसकी ये समात ठीक भी तो है। तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वर्बली, उस वर्बल लैंग्वेज से ही जो है ना वो स्टार्ट लें, और ये एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ जो है ना आपकी बोलने से ही बच्चा समझना शुरू कर दे कि मुझे क्या कहा जा रहा है। जैसे भी किसी बच्चे ने जो क्वेश्चन भी पूछा था ना, कि वो तो समझ नहीं रहे होते, वो इसीलिए क्योंकि मुझे यही लगता है कि जो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर नॉट इतने एफिशिएंट नहीं हैं, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं। ये चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं, आप सामने क्यूज रखते हैं, आप सिंबल्स जो है ना वो रखते हैं, जिससे बच्चे को देख के, और आप इसके ऊपर ढेर सारी रिसर्चेज हैं, आप खोल के देख रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं।
तो हम काम ही गलत साइड से शुरू कर रहे होते हैं, उनको बोल बोल के बता रहे होते हैं, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही होती। तो सोशल इंटरेक्शन उनकी जो है, जब आप वर्बली बोली जा रहे हैं तो वो सोशल इंटरेक्शन उस तरह से डेवलप नहीं होती। जब आपने विजुअल फॉर्म्स में चीज़ें सारी लगाई हुई होती हैं और विद प्रॉम्प्टिंग विद मॉडलिंग, फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हमारे लिए भी नहीं हो तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना एक टाइम टेकिंग चीज़ होती है, तो वो उतनी वाली चीज़ तो वहाँ पर भी आएगी। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे का टाइम पीरियड भी वेरी कर सकता है, दैट इज़ नॉट द इशू। बट द थिंग इज़ कि आप जो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट समझ में आए। तो प्लीज़ लाजमी देखिएगा इस चीज़ पे कि विजुअल लर्निंग जो है वो उसका ऑटिज्म के साथ जो है ना क्या कोरिलेशन होता है। तो इस तरह से अगर मेरे पास 1 घंटे का है और मैंने यूँ मेंशन कर रखा है कि व्हेन यू आर कमिंग इनटू माय थेरेपी रूम, तो आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, या मैं आपके साथ जो है वो किस तरह से काम करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू आर सर्कल टाइम, जिसमें पिक्चर में मेंशन है कि हम सब बच्चे बैठेंगे, वी विल सिंग राइम्स टुगेदर मे बी। फिर हमारा वर्क टाइम होगा जो कि टेबल टॉप एक्टिविटी होगी, दो लोग बैठ के 1-to-1 एक कुछ कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे पजल्स जो है ना पैकबोर्ड्स रखे हुए हैं। फिर हमारा स्नैक टाइम होगा, फिर हम रिसेस लेंगे। अब रिसेस में भी इस विजुअल कार्ड में स्पेसिफिकली मेंशन है कि या तो वो स्विंग लेगा या फिर वो दूसरा एक उसका बना हुआ है। और यहाँ पे भी आपने देखना है कि आप जोन जोन सी चीज़ें अपने बच्चों के साथ यूज़ करेंगे, आप वही वाले इमेजेस यहाँ पे लगाएं। सो आई वर्क इंडिविजुअलाइज्ड, कि मैं हर बच्चे के साथ टेलर मेड मेरा काम होता है, मैं अपने विजुअल्स भी खुद ही बनाती हूँ, और ये कोई मुश्किल बात नहीं, आपको सारे गूगल से इमेजेस मिल जाते हैं। ऊपर आपने जो आपका कराना चाह रहे हैं वो आपने उसका चीज़ का मेंशन कर दिया। सो सिंबल यूज़ में आप ये चीज़ें भी करते हैं, और सिंबल यूज़ में आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉइंटिंग वेविंग और जो नॉन वर्बल होती हैं उनको भी यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे को वो चीज़ें भी सीखनी आए और वो पॉइंट आउट करके चीज़ों को बताना शुरू कर नहीं कर रहा है। तो दैट एस सी, उसके बाद हमारे पास ई आर आ जाता है, जो कि इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में सेल्फ रेगुलेशन और म्यूचुअल रेगुलेशन, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि आपने इमोशनल स्टेट को जो है वो इंटैक्ट करना करना है, उनको अपनी इरेगुलरिटीज़ को रेगुलरिटीज़ में जो है वो कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है कि हम पहले म्यूचुअल रेगुलेशन सिखाएंगे, जिसका क्या मतलब है कि आप, क्योंकि सर्ट्स जो है वो थेरेपिस्ट का या टीचर का कुछ ऐसा होता है, वो कहता है कि जो बच्चे के साथ काम कर रहा है उसको उसका पार्टनर कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप ये पार्टनर का वर्ड देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कहीं पर भी, तो इट मीन्स कि जो थेरेपिस्ट या जो भी काम कर रहा है बच्चे के साथ, ये उसके बारे में बात हो रही है। तो म्यूचुअल रेगुलेशन में जो पार्टनर होगा वो पहले बच्चे को सिखाएगा कि किस तरह से जब ओवरवेलमिंग सिचुएशन आती है, ओवरवेलमिंग इन्वायरमेंट आता है, जैसे हम शॉपिंग मॉल वगैरह की बात कर रहे थे, वो बहुत बड़ी एग्जांपल वैसे हो जाएगी। अपने ही घर में अगर बच्चे का कोई ऐसा हो गया है, तो उसने उस सिचुएशन में ओवरवेलम वो हो जाता है, तो अपने आप को एक रेगुलेटेड स्टेट में किस तरह से लेके आना है, तो उसके लिए भी आप पहले बच्चे को खुद अपनी जो है ना बिहेवियर्स और अपनी इमोशनल स्टेट के साथ, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, इतना कंपोज्ड एंड काम और रिलैक्स होके वो चीज़ें उसके साथ करेंगे भी और उसके सामने मॉडल भी करेंगे, तो फिर बच्चे को पता चलना शुरू होगा कि अच्छा ये चीज़ किस तरह से की जाती है। So that is why emotional regulation, it emphasizes the importance of building meaningful and responsive relationships to support emotional regulation. अब आप उसको आगे कुछ एक दो examples हैं जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम करते हैं, और self regulation की भी उसके बाद stage आ जाएगी, जिसमें होगा क्या कि चूंकि पहले आपने बच्चे को समझा, आपने उसको बताना शुरू किया, उसके बाद उसको भी समझा, उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चों को इतना इनेबल बनाना शुरू करेंगे कि वो खुद अपने आप को समझना शुरू करें। यही चीज़ हम एंग्जाइटी, जो एडल्ट पेशेंट्स भी होते हैं एंग्जाइटी में, यही चीज़ होती है कि आप पहले जो है वो ट्रिगर्स को देखना शुरू करते हैं, ट्रिगर्स को आपने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, तो उसके बाद देखा कि अब इस सिचुएशन में ये ट्रिगर्ड वाली मेरी सिचुएशन है, ये ट्रिगर्ड वाला मेरा स्टिमुलस यहाँ पे आ गया, तो मैंने अब यहाँ पे क्या ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है जो कि मेरा आउटबर्स्ट या मेरा ओवरवेलमिंग वाला स्टेट ना लेके आए और मैं खुद को रेगुलेट कर लूँ। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा म्यूचुअल रेगुलेशन से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि इमोशंस और फीलिंग्स से पहले इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करना है।
जो कि आपकी बहुत बेसिक लेवल वाली चीज़ आ जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये भी अभी काफ़ी वास्ट है क्योंकि इसमें कोई 6 ऊपर हैं और कोई 10-12 इमोशंस हैं। आपने एक से स्टार्ट करना है, लेकिन अगेन अपने बच्चे की बेस को, उसकी क्या कॉग्निटिव लेवल्स हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स क्या हैं, उसको देखते हुए आप एक से या दो से या 3-4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल रेगुलेशन ये होगी कि स्टार्ट गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस कि ये होते क्या हैं, हम इनको किस किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। आप पूरी ये एक्टिविटीज़ बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, अपने गोल्स सेट करके कि किस तरह से वो बच्चा इन चीज़ों को समझना शुरू करे, और मैं भी पहले उसको ये सिखाऊं कि इन ये सब चीज़ें, इनकी एग्जिस्टेंस क्या है, इमोशनल कंपोनेंट होता क्या है। आप इसको नेट पे देखेंगे, पिंट्रस्ट पे देखेंगे, इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज़ निकल आएंगी और उन एक्टिविटीज से आप आइडिया ले सकते हैं। और फिर जून सा बच्चा आपके पास उस वक्त जिस करंट उसका जो भी लेवल चल रहा है उसके मुताबिक आप उसको मॉडिफाई कर लें। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट गिविंग इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा ER वाले में सारा आएगा कि ये फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद जो सेल्फ रेगुलेशन वाली मैंने बात की थी कि बच्चा वो सब समझना शुरू जब हो गया, उसने वो अचीव कर लिया, फिर वो खुद इतना काबिल होगा कि अपने आप को काम डाउन करना शुरू करें। तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि, और इनके अलावा भी हो सकती हैं, बहुत सी और हो सकती हैं। बाद सब बच्चों की ऑब्जर्वेशन जब आप कर रहे होते हैं ना, और जो हम ABC मॉडल होता है ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस वाली साइड भी अक्सर आपको बताती है कि ये क्या करना पसंद करता है आफ्टर बीइंग ओवरवेल्म्ड। जब आप उसको कोई थोड़ा टाइम दे देते हो, उससे दूर हट जाते हो, तो बच्चा किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो के और उसका मूड में एक चेंज आया, तो वहाँ से आप पिक करते हो कि अच्छा दिस थिंग कैन हेल्प आउट टू काम हिम डाउन। वो चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल भी जाएंगी। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स के आप क्या कर सकते हैं। आप वो कोई फिजिटी टॉयज यूज़ कर सकते हैं जिनमें जो है सेंसरी इफेक्ट आए रिलैक्सेशन का। सिंपल वो एक बच्चे को ब्रेक भी दी जा सकती है कि जो उनका काम किया जा रहा है या इर्द गिर्द जो से लोग उसके पास मौजूद हैं उनको वहाँ से रिमूव करके, या वो रिमूव नहीं हो सकते तो बच्चे को उस इन्वायरमेंटल स्पेस में से निकाल के दूसरी स्पेस में जो है, यानी कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। डीप ब्रीथ्स आप सिखा सकते हैं वीडियो उनके थ्रू, अपनी जो है इन पर्सन मॉडलिंग के थ्रू, या फिर प्रॉम्प्टिंग वगैरह के थ्रू भी जो उनसे स्ट्रेटजीज हमने सीखी वो सब हेल्प आउट करती हैं। और इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों को जो है वो म्यूज़िक के साथ वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो कनेक्ट कर देते हैं, वो चीज़ उनको अच्छी लगती हैं काम डाउन करने में, तो वो वेरी करेगा। सो दिस इज़ हाउ यू टीच देम कि इस तरह से आप अपनी इमोशनल पार्ट को समझेंगे, व्हेन वेयर वो सारी चीज़ें आएंगी, और उसके बाद फिर आप सेल्फ रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ये छोटी सी इस तरह से कोई 5 मिनट वाली बात नहीं है, जब आप इसको करवाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपने थोड़ा 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 करके सारा इंट्रोडक्शन देना है, सारी चीज़ें सिखाना है, और फिर उनको अपने रियल इन्वायरमेंट में जनरलाइज भी कराना होता है। देन कम्स द लास्ट कंपोनेंट ट्रांजेक्शनल सपोर्ट, जो कि आपको सारा टीच का जो प्रोग्राम है ही आपको इसके साथ लिंक्ड अप होता है। यहाँ पे आता है टीच का प्रोग्राम जो आपके फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर सारी बात कर रहा होता है कि ये किस तरह से होना चाहिए। सो हम टीच पे ही मूव करते हैं जिसमें आपको ट्रांजेक्शनल सपोर्ट का पता चल जाएगा। टीच की जो है वो एब्रीवेशन है टीच में ट्रीटमेंट ऑफ एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। ये बस फॉर द नॉलेज सेक है। यहाँ पे भी मेंशन है कि टीच इसी थ्योरी के ऊपर डेवलप हुआ है कि ऑटिस्टिक पर्संस जो हैं दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स, और फिर उसमें विजुअली कैसी चीज़ों को बनाया जा सकता है, चीज़ों को किस तरह से सर्टन स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है, और वो क्या होंगी उनमें चीज़ें प्रिडिक्टेबिलिटी लाने के लिए, वेयर हाउ व्हेन हाउ लॉन्ग, कि ये जो काम किया जा रहा है, जो बिहेवियर्स हमने आपको कराने हैं, जैसे जो भी बच्चे ने बात की थी कि वो समझ तो नहीं रहे होते हैं, वो तब समझेंगे आपकी बातों को जब एक तो विजुअल फॉर्म्स में उनके सामने चीज़ें होंगी, विजुअल में होने के बाद उनको उस चीज़ को देख के पता चल रहा होगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना है और ये कितनी देर तक ये चीज़ होनी है, कितना इसमें मुझे काम रिक्वायर्ड है। तो ये सब जब चीज़ें उनके सामने आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे, तो बहुत बहुत जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू जो एक मेन चीज़ मैंने देखी कि बच्चे इंडिपेंडेंट बहुत क्विकली होते हैं, क्योंकि फिर
वो विजुअल जो कुछ लगा हुआ है वो वही उनके लिए काफी है, वहीं से देख के उनको सब कुछ पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है और उसके बाद भी क्या चीज आने वाली है। तो बहुत ज्यादा जो है वो इंडिपेंडेंसी आ जाती है। और इवन विजुअल स्केड्यूल्स जो है वो मैं घर के लिए भी बना के देती होती हूँ पेरेंट्स को, एंड पेरेंट्स दे गिव फीडबैक कि मुझे अब उसके पीछे पीछे नहीं रहना पड़ता। तो इसके पांच जो कंपोनेंट हैं टीच के, उसमें हम देखते हैं फर्स्ट थिंग इज फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि आपको हेल्प आउट करता है कि जो आपके ऑटिस्टिक पर्सन हैं दे वुड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। वो किस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को समझाना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कि ये देखिएगा आप कि ये जो ये पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक बड़े से थेरेपी रूम में एक 1-to-1 सेशन के लिए कॉर्नर स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो सेपरेटर्स लगाए हुए हैं ये क्या किया है, आपने अपने एक ही रूम में अपनी एक स्पेस में स्टिमुलस कंट्रोल की स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए और फिजिकल स्ट्रक्चर को आपने किस तरह से जो है ना वो मॉडिफाई किया अपने बच्चे को, ये चीज़ अब उसने देख ली है कि जब मुझे इस रूम में आना है दिस इज़ द कॉर्नर दैट इज़ स्पेसिफाइड दैट इज़ पर्टिकुलर टू गिव 1-to-1 सेशन। अब वो इसमें जब जाएगा तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटीज पड़ी हुई हैं और उतनी ही पड़ी हैं जो कि जो उसका टाइम डिसाइडेड है सेशन का। और टेबल पे आप देख रहे हैं कि विजुअल्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं जिनकी मजीद एग्जाम्पल्स नेक्स्ट भी आएंगी। तो वो देख के जो है ना, एक जो पीछे बात आ रही थी ना, इट गिव्स मीनिंग टू द एनवायरमेंट, कि वो खुद इट सेल्फ द एनवायरमेंट स्पीक्स कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अपने आपसे डिमांड क्या किया की जा रही है कि यहाँ पे करना क्या है। आप इस रूम में आए हैं और आपका 1-to-1 का सेशन है अब, तो यू यू आर सपोज टू गो इन दिस एरिया। इसी तरह से ये जो दूसरी वाली कॉरिडोर की एक एग्जाम्पल है, जो ब्लू एंड वाइट ब्लू कलर की जो टेप्स तो लगी हुई हैं जिसमें उसको विजुअल एक जो है ना स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया हुआ है कि यू वॉकिंग के लिए ये वाला जो है ना पैसेज बनाया गया है कि अगर, क्योंकि चेयर्स आप देख रहे हैं पड़ी हुई हैं, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर को एक प्रिडिक्टेबिलिटी दी हुई है। सॉरी कि आपने वॉक करते हुए जब एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो दिस इज द पैसेज, और यहाँ टेपिंग करके उसको एक जो है ना विजुअली, मैंने पीछे उसको यहाँ पे ये चीज़ है कि विजुअली कम्युनिकेट कर रही है वो टेपिंग वाली चीज़ कि ये पैसेज है, इसमें से आपने गुजरना है थ्रू 1 रूम टू अनदर रूम। तो ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर आप काम करते हैं वो आपको बताएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू विजुअली कम्युनिकेट, तो सेकंड पॉइंट है व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द एनवायरनमेंट, टू विजुअली डायरेक्ट द स्टूडेंट फॉर एन एक्टिविटी, टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है जो जो टेबल्स वगैरह चेयर्स साइड पे पड़ी हैं, ये ना हो कि बच्चा इस कॉरिडोर में से गुजर रहा है तो यहाँ पे टेबल्स पे जो चीज़ें कोई एक्टिविटी पड़ी हो कोई वैसी, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑटिस्टिक पर्सन जो हैं उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी उनके रीइंफोर्सर्स होते हैं जो आपको लगता नहीं कि ये कोई ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ हो सके। वन ऑफ माई किड जो कि शार्प पेंसिल्स जो हैं, यानी कि आपने बस पेंसिल और शार्पनर पास रखना है अपने, अगर उसने किसी भी तरह करके अगर नहीं भी हुआ है या 5-10 मिनट बाद आधे घंटे बाद उसको लगा कि नहीं जी इसको मजीद शार्प करें, तो बस आपने शार्प करके उसको, एक शार्प पेंसिल है जिसको वो अपनी टिप पे यूं 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 करता रहता है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीइंफोर्सर ऑफ दैट किड। तो वो ही अगर कोई शार्पनर पड़ा है कोई पेंसिल पड़ी है वो भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आपने उसको क्यू दे दिया अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में कि भाई यहाँ से आपके ये गुजरने वाली चीज़ है, आपने सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली गुजरना है। एंड मैं आपको ये चीज़ 100% कॉन्फिडेंस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि किड्स बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे गेट टू नो कि अच्छा इस चीज़ में मुझसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है तो मैंने यहीं पे इसी से जाना है। और जब आप रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे होते हो तो उनको पता होता है कि मुझे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे वहाँ पे मेरे थेरेपिस्ट से ये चीज़ मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ विजुअल स्केजुअल्स। विजुअल स्केजुअल्स अगेन लेट मी गो थ्रू विद एन एग्जाम्पल। वो ये चीज़ कि अब ये एक ही क्लासरूम में 3 बच्चों के विजुअल स्केजुअल्स लगे हुए हैं विद देयर पिक्चर्स, जो कि उनको बता रहे हैं विजुअल इमेज है उस बच्चे की अपनी पिक्चर का कि अच्छा ये वाला स्केजुअल आपका है। हम एग्जाम्पल दे देते हैं, एक बच्चे का नाम अली है, एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम जो है उमर है। ठीक है, अभी उनकी पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि दीज 3 किड्स आर फेमिलियर विद द टेक्सचुअल थिंग,
अब जैसे ही अली आएगा तो उसको पता है कि मेरी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है तो ये मेरा विजुअल स्केड्यूल है। मोहम्मद आएगा तो उसको पता है कि मेरा विजुअल स्केड्यूल ये है। इसी तरह से ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है कि टीचर वहाँ पे मौजूद नहीं है, थेरेपिस्ट वहाँ पे नहीं है, जैसे ही मोहम्मद आएगा वो डायरेक्टली अपनी पिक्चर देख के उसी स्केड्यूल का जो कार्ड उसने लेना है वो उसको लेगा और अपनी उस जगह पे चला जाएगा, ट्रांजिशन कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी बहुत मज़े का और आपको हेल्प करता है। एक चीज़ जो टीचर आपको बताता है कि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए और जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आप ये वो इसी चीज़ को मेंटेन करना है ताकि परसिस्टेंस हो, तो आपने हमेशा जब भी चीज़ों को करना है वो टॉप टू बॉटम होंगी, और कोई अगर सीक्वेंसिंग ऐसी है जिसमें लेफ्ट एंड राइट वाली चीज़ आनी है तो वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगी, जिसका आगे हमें एक्टिविटीज़ में भी पता चलेगा। अच्छा, विजुअल स्केजुअल्स में एक और चीज़ ये है कि विजुअल स्केजुअल्स लगाने के कुछ तरीके का हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती हैं आप बच्चों को सिखाते हो ऑब्जेक्टिव रेफरेंस, और ये यूँ नहीं है कि आपने सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है उसके बाद ये उसके बाद ये, नहीं, आपने करंट लेवल देखना है बच्चे का कि अगर बच्चे जो हैं वो फोटोग्राफ्स पिक्चर से फेमिलियर हैं तो आप डायरेक्टली जो नंबर 3 पे है फोटोग्राफ वाला आप उस विजुअल स्केड्यूल से मूव करना शुरू कर दोगे, यानी स्टार्ट वहीं से आप लोगे। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो इमेजेस की जैसे हम बात कर रहे थे तो उनके साथ फेमिलियर नहीं है, तो फिर आप इन दोनों में से देखोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसको हेल्प आउट करेगी उसकी कॉम्प्रिहेंशन के लेवल के मुताबिक होगी। तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने स्केड्यूल जो है वो विजुअल स्केड्यूल लगाया है और उसमें चीज़ें इस तरह से आप लगाएंगे फिर कि वो इमेजेस तो नहीं होंगी, लेकिन लेट्स से मैंने अपने बच्चे को म्यूजिक टाइम करवाना है और मैंने वहाँ पे कोई टॉय रख दिया है छोटा सा गिटार का या पियानो का जो कि रेफरेंस है फॉर द म्यूजिक टाइम। इसी तरह से अगर स्नैक टाइम कभी जैसे एक पीछे विजुअल इमेज था और मैंने वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक प्लेट एंड स्पून जो है उसको पेस्ट कर दिया है जो कि रेफर कर रहा है, उसको एक आइडिया दे रहा है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ऑब्जेक्टिव रेफरेंस वाला लेवल पे जो बच्चा होगा वहाँ पे आप इस तरह की जो है विजुअल स्केड्यूलिंग करते हैं जो कि रेफर कर रही हूँ डिज़ायर्ड गोल या डिज़ायर्ड टाइम के लिए। और TUBI ट्रू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये है कि वो रेफरेंस नहीं, एक्चुअली वही ऑब्जेक्ट आप वहाँ पे लगाएंगे जो कि उसने वहाँ पे जाके करना है। अब जैसे मैंने स्नैक टाइम की एग्जाम्पल दी ऑब्जेक्टिव रेफरेंस में कि मैंने प्लेट और चम्मच वहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन ट्रू ऑब्जेक्ट वाले में मैं अगर उस बच्चे ने स्नैक में बनाना खाना है तो मैं बनाना ही रखूंगी, ठीक है, ये फर्क आ जाता है। और ये लेवल्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स क्या हैं, उनको कौन सी चीज़ समझ आती है, और अगर उसको इमेजेस समझ आते हैं बच्चे को तो फिर मैं वहाँ पे बनाना की पिक्चर लगा दूंगी या फिर सिंपली जिस तरह से पीछे जो है वो सिंबल था स्नैक टाइम का तो वो सिंबल वाला विजुअल इमेज हम वहाँ पे लगा देंगे। और यही चीज़ सिंबल में आ रही है, पिक्चर और सिंबल में यही फ़र्क है कि आपने जो है ना कोई ऐसा सिंबल यूज़ किया है जो कि स्नैक टाइम को यूज़ कर रहा होगा जस्ट लाइक बिफोर। फोटोग्राफ में ये है कि आपने बनाना की इमेज लगाई हुई है एंड एट द एंड आपका आता है रिटन वाला, आपका वर्ड बच्चा जो है वो इतना उसका कॉम्प्रिहेंशन उसके कॉग्निटिव लेवल्स इतने अच्छे हैं कि वो इन वर्ड्स को समझता है, तो आपने सिर्फ वहाँ पर वर्ड बनाना जो है वो लगा हुआ होगा उसके विजुअल स्केड्यूल में। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जो ये बीच वाला है ये TUBI है और मेरे ख्याल ये मिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव रेफरेंस और ट्रू ऑब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, जैसे और बनाना जो है वो ट्रू ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और ये जो एम्बुलेंस है और नीचे बॉल सेंसरी बॉल है जो कि रेफरेंस के तौर पर लगी हुई है। फिर आते हैं हमारे पास एक्टिविटी सिस्टम के, अब विजुअल स्केड्यूल्स भी हो गया, विजुअल स्केड्यूल्स में एक्टिविटीज़ लगी हुई है ना कि क्या एक्टिविटी करनी है, आपने म्यूजिक टाइम में क्या एक्टिविटी होगी या टेबल टॉप पे है तो वो क्या एक्टिविटी होगी। तो फिर एक्टिविटी सिस्टम को भी टीच बताता है कि उसको भी आपने कैसे प्रिडिक्टेबल बनाना है, कैसे बच्चा टेबल टॉप पे बैठा तो उसको पता हो कि इस एक्टिविटी में मुझसे क्या डिमांड की जा रही है और मैंने इसको करना किस तरीके से है, उसकी एक एग्जांपल ये है। अब ये टेबल टॉप पे जो है वो अगेन टॉप टू बॉटम आप देखें जो स्केड्यूल टेबल पे लगा हुआ है वो टॉप टू बॉटम आ रहा है रेक्टेंगल से ट्रायंगल की तरफ, और जो बास्केट में एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं वो आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही हैं। अब ये चार एक्टिविटीज़ जो हैं वो फोर बास्केट में, हर बास्केट में एक एक्टिविटी है जिससे देख के ही उसको पता चल रहा है आई एम सपोज टू डू फोर एक्टिविटीज़। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से लेना है, टॉप पे लगा हुआ है रेड रेक्टेंगल,
रेड रेक्टेंगल का मतलब ये है कि फर्स्ट मुझे रेड रेक्टेंगल वाली बास्केट ही निकालनी है। वो बच्चा वो बास्केट निकालेगा, अगर उससे प्री है, प्री पिछला वाला लेवल है, तो थेरेपिस्ट वो वाली बास्केट निकालेगा और वो उसको वो एक्टिविटी प्रेजेंट करेगा। और एक्टिविटीज़ की भी आगे एग्जांपल आएगी, वो एक्टिविटी अगर बास्केट में से निकाली है तो वो किस तरह से करनी है उसकी भी आगे एग्जांपल्स हैं। सो द थिंग इज़ अगेन कि टॉप टू बॉटम चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, पता चल रहा है कि करना क्या है। और उसके बाद ऑरेंज ट्राइंगल के नीचे जो है वो एक बास्केटबॉल, वो जिसमें डालते हैं, जो उसकी नेट होती है वो, और बास्केटबॉल की पिक्चर है, जिससे पता चल रहा है कि व्हाट इज नेक्स्ट टू डू। इन चार एक्टिविटीज के बाद मुझे स्पोर्ट्स टाइम के लिए जाना है। वो बच्चा वहां से ये विजुअल कार्ड लेगा और अपने थेरेपिस्ट के साथ अगर जाता है, असिस्टेंस उसको भी रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन करने में, तो वो थेरेपिस्ट के साथ जाएगा। बट ही ऑलरेडी नोज कि इन चीजों के खत्म होने के बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है। सो दिस मच अमेजिंग टीच इज, वो सारी आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपके बिहेवियर्स नहीं आते हैं। सो टास्क में अब जो है हम देखते हैं कि अब टेबल पे आपने टास्क तो निकाल के रख दिया, वो अब लेट्स सी उन किट्स में से ही ये तीन बास्केट्स में ये तीन एक्टिविटीज़ हैं। नंबर वन पे आपके पास मेंशन है ऊपर कि हाउ मैनी कार्ब्स। अब ये मटेरियल उसके पास पड़ा है, बच्चे ने मैथ्स की क्वांटिफिकेशन की एक्टिविटी करनी है। अब इन ऑब्जेक्ट्स में से उसने देखना है कि कार्ब्स कितने हैं, और कार्ब्स के ऊपर ये देख रहे हैं आप कार्ब का ऑरेंज कलर का इमेज लगा हुआ है, जिससे उसको पता चल रहा है कि अब ये उस बच्चे के लिए जो कि कार्ब वर्ड के साथ, टेक्स्ट के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, इमेज की उसको सपोर्ट अभी चाहिए, अभी उसको इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए, तो इस वजह से टेक्स्ट भी है और इमेज भी मेंशन है। वो इनमें से कार्ब्स को निकालेगा और काउंट करेगा कि वो कितने हैं, और वो रखने के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये शार्क है, ये वेल है, ये फिश है, ये टर्टल है, तो यहाँ पर भी उसने रख के उनको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उसके बाद इस बॉक्स में लिख देना है हाउ मेनी कार्ब्स ही हैज। तो इस तरह से आप बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं कि करना क्या है, एक्टिविटी किस तरह से होगी। और इसी तरह से जो ये वाली है इसको थोड़ा सा मज़े का भी बनाया हुआ, ये ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए है कि अब उसको आप लेटर रिकॉग्निशन सिखा रहे हैं और स्पेसिफाई किया हुआ है लेटर एफ को, और एक्टिविटी को मज़े का बनाने के लिए मॉन्स्टर की शक्ल है कि द मॉन्स्टर वॉन्ट्स टू ईट लेटर एफ। तो फिर यहाँ पे ये जो वुडन जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जिसमें से वो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, या आप उसको सिखा रहे हैं अभी, तो आप उसको प्रॉम्प्ट के साथ अभी सिखाएंगे, खुद लेटर एफ को चूज़ करेंगे और बच्चे को हेल्प आउट करेंगे कि दिस इज़ लेटर एफ, लेट्स फीड इट टू द मॉन्स्टर। तो इस तरह से आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, विजुअल सामने हैं उसके कि मुझे यहाँ पर लेटर एफ जो है उसको ही ढूँढना है, और एफ का उसके सामने विजुअल इमेज भी है जो कि फिल वक्त रिटन फॉर्म में। थर्ड हमारे पास एक्टिविटी आती है क्लॉथ्स, फूड एंड टॉयज़ की। अलग अलग तीनों के बोर्ड्स बने हुए हैं, फूड को वर्ड के साथ दो फूड के जो है विजुअल इमेजेस भी लगे हैं, एक में बनाना है और दूसरे में ये कुछ बेवरेजेस हैं। यहाँ पे इसी तरह से क्लॉथ्स हैं, टॉयज़ हैं, यानी कि पिक्चर को देखते, सॉरी एक्टिविटी को देखते ही पता चल रहा है कि क्या करना है। हाँ, ये चीज़ है कि बच्चे अभी समझते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं, वहाँ पे अगेन आप अपनी देखो कि आप एक टाइम में एक स्ट्रेटजी तो नहीं यूज़ कर रहे होते हैं ना, आप काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ को, उनका मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, तो जो बच्चे का लेवल है उस टाइम, उसको जो उन सी चीज़ की ज़रूरत है उसको देखते हुए आप वही वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे और मिक्सचर यूज़ कर रहे होंगे, जो कि सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करेंगी चीज़ों को समझने में, एक्टिविटीज़ को समझने में, आपके पास वो जो आया है उन गोल्स को करवाने में और समझने में। लास्ट थिंग ऑफ टीचर्स के स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट, बहुत अहम चीज़ है कि आपने देखना है कि मेरे बच्चे के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, तो मैंने जो चीज़ उसको सिखानी है मैं उसके इंटरेस्ट को उसमें इनकॉर्पोरेट करूँ। अब मैं इसकी अगर एक एग्जांपल दूं कि मेरा एक बच्चा था जिसको लेमन बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो फिक्सेटेड विद द लेमन कलेक्टिंग थिंग ना, और अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं फॉर्चुनेटली जो मेरा इंस्टीट्यूट था, जब वो वहाँ पे आया, हमारे जो स्टार्टिंग वाला ही जो ग्राउंड है वहाँ पे लेमन ट्री है, और कहाँ वो थेरेपी रूम में अंदर जाता वो ग्राउंड में ही स्टक हो गया। तो वहाँ हमने ये चीज़ देखी कि ही इज़ फिक्सेटेड विद लेमन्स, तो वहाँ पे ही उसको लेमन से ही रिलेट करके, उसके इंटरेस्ट को ही देखते हुए
हमने लेमन से ही उसको एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दी, जिसकी अगर एक एग्जांपल मैथ्स की उसकी एक्टिविटी हमने बनाई जो क्वांटिफिकेशन वाली आपने देखी, हाउ मैनी कार्ब्स है वो था, हमने उसकी एक्टिविटी वो बनाई हाउ मैनी लेमन्स, जिससे पहले नंबर्स के साथ उसको फेमिलियर किया, फिर क्वांटिफाई करना सिखाया, और उसी के साथ हमने उसकी सेल्फ हेल्प की, क्योंकि किचन में हमारे पास एक छोटा सा जूसर होता है, वो हमने सेल्फ हेल्प का गोल भी उसे उसको सिखाया, हमने लेमन कटिंग की, हमने लेमन को जो है वो उसकी स्क्वीजिंग की, और हमने लेमन जूस बनाना भी सीखा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट जो हैं उसी को स्ट्रेंथ बनाते हो और उसी को इनकॉर्पोरेट करके अपने डिज़ायरेबल बिहेवियर्स, अपने डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक और ये विजुअल फॉर्म में जो मैंने कि होम बेस्ड थी, बच्चे के मदर को ये बना के दी थी कि उसकी मदर ने उसको सेल्फ हेल्प के गोल्स में लॉन्ड्री जो है वो कराना सिखानी थी, और ही इज़ इन लव विद शाहरुख खान। तो इस तरह से शाहरुख खान के ही फेस को यूज़ करते हुए ये विजुअल इमेजेस बनाए, जो कि हम टास्क एनालिसिस में करते हैं कि स्टेप वन में ये होगा, स्टेप टू में ये, और वो शाहरुख खान ये करता है, व्हाई नॉट आई वुड डू इट एंड ही डज इट। तो इस तरह से आप ABA टीच एंड सर्ट्स को यूज़ करते हुए, और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप उसमें कॉम्पिटेंट हैं, आप उन सबको यूज़ करते हुए अपने ऑटिस्टिक बच्चों की मैनेजमेंट कर सकते हैं इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे। ऑलराइट, सो वी डू हैव 5 मिनट्स, हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर सेशन अपना करते हैं। सबसे पहले मुझे वो वाला स्टूडेंट बताएं जिनको मैंने कहा था कि हम लास्ट में करेंगे, और मैंने कोशिश की कि हम उस चीज़ को जो मैं चीज़ें बाद में प्रेजेंट कर रही थी उसमें ही मैं आपको आंसर आउट कर सकूं। तो प्लीज़ आपका क्लियर हुआ? Who was asking that? अनीसा, आपने हैंड रेस किया था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ सकती हैं काइंडली। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आंसर मिल चुका है। ऑल राइट, एनी वन एल्स, किसी और के पास हो पूछने के लिए कुछ? मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जब फर्स्ट टाइम एक बच्चे को डायग्नोज करते हैं तो वो कितने साल का होना चाहिए? अच्छा, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। अगर हम आप उसको DSM के मुताबिक भी देखें तो द किड शुड बी एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड, और अगर आप फॉर्मली बच्चे को असेस कर रहे हैं, आपके पास जो हमारे टूल्स वगैरह होते हैं असेसमेंट के वो आपके पास हैं, तो एडोस जो उसका सेकंड वर्जन लेटेस्ट आया उसमें 18 मंथ से भी आप जो है डायग्नोसिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सो द लीस्ट एजेस के बच्चा 18 ईयर्स का है और आपके पास एडोस है, तो आप एडोस अप्लाई करके DSM की सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं उसके ऊपर लगा के तो आप उसको डायग्नोसिस दे सकते हैं। अगर आपके पास एडोस नहीं है तो फिर 2 ईयर्स का होना चाहिए, जो कि इनफॉर्मल असेसमेंट में चला जाएगा DSM के। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, यू आर वेलकम। एक मैम, आई डू हैव अ क्वेश्चन। ओके ओके, अनीसा आप पूछ लें फिर मैं पूछती हूँ। कि रीइंफोर्समेंट का जो टाइम है जब हम स्टार्ट करते हैं एक सेशन, उसका टाइम और जो हम रीइंफोर्समेंट बच्चे को करते हैं उसका टाइम मैक्सिमम कितना होता है? मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा कि जब हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? तो उसका जी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ये देखा था सेशन लेते हुए, मैंने तो काम भी किया तकरीबन 1 साल में, लेकिन वहाँ पे ये था कि वो जस्ट मुझे जैसे वो बस काम बताते थे और उसका मेन मतलब किस तरह से स्ट्रेटजीज को लेके चलना है ये सब कुछ नहीं बताते थे, और मेरे काफ़ी क्वेश्चंस थे उस दौरान और मैं पूछती थी, लेकिन वहाँ पे जो थे इतने एक्सपर्ट्स नहीं थे, तो उसमें ये था कि वो जस्ट रीड आउट करते थे ABA की, उनके पास आई थॉट बुक थी, उन्होंने एक कोर्स किया हुआ था तो वो वहाँ से देख के हमें बता देते थे, और मुझे ये नहीं पता था कि जो जब डायग्नोज करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, और जो रीइंफोर्समेंट का टाइम होता है मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कितना होता है जब हम स्टार्ट में बच्चे का सेशन स्टार्ट करते हैं? अच्छा देखिए, रीइंफोर्समेंट के जैसे हमने स्केड्यूल्स की बात की उसमें टाइमिंग और वही चीज़ें आती हैं कि आपने कब देना है रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सर कब देना है।
तो अब उसमें ये चीज़ है कि जब आपने बच्चे को देखा कि उसने आपकी जोन सी भी स्ट्रेटजीज आपने यूज़ की उनको यूज़ करने के बाद बच्चे ने अपना आपका डिजायरेबल बिहेवियर आपको करके दिखा दिया, तो अगर तो आप कॉन्टिन्यूस स्केड्यूल पे हैं अभी, तो आप फौरन उसको देंगे और जितनी दफ़ा वो करेगा, जितनी दफ़ा वो डिजायरेबल बिहेवियर करेगा उतनी दफ़ा ही आप उसको देंगे, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आप देंगे। अगर तो वो उसको समझ आना शुरू हो गई हो ये इस प्रिंसिपल की, गिव एंड टेक वाले की, रिवॉर्ड सिस्टम की, तो फिर आप कॉन्टिन्यूस को छोड़ के किसी ना किसी पार्शल वाले में जाएंगे। अब आप जो टाइम पूछ रहे हो कि कितना टाइम, आई एम सॉरी मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ, आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेरे पास ये बच्चा आता है और वो यानी कि सेशन का स्टार्ट हुआ है अगर, तो यूं तो नहीं होगा ना कि आते ही आपने उसको कोई जो है ना रीइन्फोर्समेंट दे दी है। हाँ तब अगर दे सकते हो कि अगर बच्चा जो है वो रिलक्टेंट है आपके थेरेपी रूम में आने के लिए और आपने जो है ना उसको उसके रीइन्फोर्सर्स दिखाकर ही थेरेपी रूम में उसको, क्योंकि मोटिवेट करना है कि आप किसी ऐसी जगह पे आ रहे हो जो कि आपके लिए मज़े की होने वाली है, हम प्लेफुल एक्टिविटीज करेंगे यहाँ पे, तो तब आप उसको वो ही सारे टॉयज जो हैं वो तब दिखा सकते हो, तो वो आप रीइन्फोर्स कर रहे हो। लेकिन जब आपके साथ बच्चे की रेपो बिल्डअप हो गई है, वो उस रूम से फेमिलियर हो गया है, वो आना शुरू हो गया है, तो वहाँ पे जो है ना कॉन्टिन्यूस स्केड्यूल में से किसी में भी आपने देखना है कि अब देखना है कि एज अ थेरेपिस्ट मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, मैं इसको कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं बना रही हूँ रीइन्फोर्सर पे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको फिर आपने किसी न किसी स्केड्यूल पे मूव कर लेना है। इज दैट ओके? थैंक यू, क्लियर हो गया। ओके ओके, आई एम ग्लैड कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। जी नया, अब आपने भी कुछ पूछना था? ओके मैम, पहले आई डू अपोलोजाइज, हमारे नेबर्स में शादी है और बहुत डॉल है, तो मैं अपने ही घर में फिर करूँ कि एटलीस्ट मुझे वो क्वालिटी टाइम और वो एनवायरनमेंट मिल जाए कि मैं अपना सेशन अटेंड कर सकूँ। सॉरी फॉर दैट। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बात की कि 25-26 लाइक एडल्टहुड में भी कुछ लोग आ रहे हैं जो ASD डायग्नोस डायग्नोसिस उनकी हुई है, तो मैम हमने मोस्टली ये सुना है कि ADHD एंड ASD जो है वो मोस्टली चिल्ड्रन डिसऑर्डर है, एंड या तो ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है कि बचपन से अगर उनकी वो चीज़ डायग्नोस ना हुई हो या ट्रीट ना हुई हो तो लेटर ऑन वो डिवेलप हो सकती है या फिर प्रोमिनेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लाइक आपके एडल्टहुड में या टीन एज में वो ये डिसऑर्डर डिवेलप हो जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ओके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि बच्चों की अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सिंस यहाँ पे ना अभी सिर्फ लाहौर में ही काफ़ी अवेयरनेस है और आपको काफ़ी ऑटिज्म सेंटर्स, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स नज़र आएंगे, मेरे पास काफ़ी ओके बच्चे हैं जो कि गुजरांवाला से आ रहे हैं और वहाँ पे उनको कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं मिलता जहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से जाके थेरेपी ले सकें। ठीक है, और यही चीज़ जो मैंने कहा कि 25-26 ईयर्स के आ रहे हैं वो यही चीज़ है कि उनके बचपन से ही चीज़ें होती हैं, बचपन से ही उनके अंदर वो सारी सिम्टम्स होती हैं लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता होती। और अक्सर जो मैं पेरेंट्स से जब हिस्ट्री वगैरह ले रही होती हूँ ना, तो जो जो बच्चे 10 या 12 साल की उम्र में भी आ रहे होते हैं ना, तो उनकी मदर बताती हैं कि मैं मुझे फील होता था इस केस में कोई मसला है, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन इसकी दादी कहती थी कुछ नहीं होता, इन द अब्बा भी इंज दी ऑन टू बी ऑनेस्ट। तो एग्जैक्टली ये कल्चर भी एक हमारा है स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे और बिहेवियर्स को लेके भी, लड़कों में बड़ा होगा सही हो जाएगा, ये हमारी फैमिली में ऐसे ही है, बच्चे ना लेट बोलना शुरू करते हैं, और बच्चा 6 साल का है, साल का हो गया, बच्चा 8 साल का हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, वो नहीं उस तरह से बोल रहा, तो उसको इतना पेम्पर्ड किया जा रहा है, उसका बिना कहे भी उसकी चीज़ें हो रही हैं, सारा कुछ दादियाँ नानियाँ ये सब कुछ कह रही होती हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग या किसी को इस तरह नहीं कह रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ कि वो फिर चीज़ें रह जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब पेरेंट्स को, क्योंकि मैं जो अभी बता रही थी 26 का, वो मतलब फैसलाबाद से मूव होके यहाँ पे आई हैं स्पेशली, और इतने सालों में उनको अब मौका मिला कि वो अपनी जो है ना वो इन लॉज से अलग हट के वो यहाँ पे आई और फिर उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ करना शुरू किया है। तो आपकी बात तो सही है, वो अर्ली ईयर्स में ही होता है क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ओके थैंक यू। अनदर क्वेश्चन प्लीज। मैम यहाँ पे एक कम्युनिकेशन डोमेन भी है ना, तो एक चीज के आपने जो इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की, तो लाइक दे हैव लेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आल्सो दे आर लेस इंटरेक्टिव, तो फिर हमने उन्हें कैसे इंगेज करना होगा? इज इट डिफिकल्ट टू इंगेज देम,
और दूसरी बात कि स्पीच थेरेपिस्ट उन्हें डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन डोमेन भी है ना। बिल्कुल, जब हम मैंने जो इंट्रोडक्शन ही दिया हमने मैंने मैनेजमेंट का, उसमें साइको सोशल इंटरवेंशंस थी जिसमें स्पीच थेरेपी का पर्टिकुलरली मेंशन है। और मैं हमेशा इसी चीज़ को प्रमोट करती हूँ, खुद भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आती हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी काम होना चाहिए। आप ये नहीं समझो कि मैं जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने ही इस बच्चे को थ्रू आउट सारा कर लेना है, ऐसे नहीं होता। तो स्पीच वाला जो चीज़ें हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे लाजमी स्पीच को ही रिकमेंड करें, उनसे ही प्लान्स वगैरह बनवाएं और मदर को कहें कि उनकी चीज़ों को फॉलो करें। लेकिन जो इंटरेक्शन वाली बात है ना, वहाँ पे जैसे हमने सिंबल यूज, जॉइंट इंटरेक्शन, उनकी बात की, उनके थ्रू आप अपने बच्चों की सोशल इंटरेक्शन के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो स्टेज है वहां से करें तो जो जॉइंट अटेंशन की एग्जाम्पल थी उसमें आपने देखा वो 2 ईयर्स का बच्चा है, 2 या 2.5 का है। तो आप इस तरह से डिफरेंट टॉयज को, डिफरेंट एक्टिविटीज को यूज करते हो, आपके पास गोल आपके पास होगा, एक्टिविटीज आपने जो है ना, ये आपकी स्मार्टनेस है या आपकी क्रिएटिविटी है कि आपने किसी भी गोल को करवाने के लिए क्या एक्टिविटी, क्या मटेरियल यूज करना है। तो उस जॉइंट अटेंशन की जो एग्जाम्पल थी आपने देखा, वहां पे एक सिंपल सा एक टॉय है डॉग वाला, उसी को यूज करके जॉइंट अटेंशन के ऊपर काम किया। और जॉइंट अटेंशन जो है वो सोशल इंटरेक्शन का फर्स्ट जो है ना पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है। इस तरह से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाते हो कि अच्छा आई कांटेक्ट ले लिया, आई गेज ले ली, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है ना वो आप एक्टिविटीज डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, तो आप ऐसे सोशल इंटरेक्शन पे भी काम करते हो। फिर ओके मैम, कैन आई गो आस्क क्वेश्चंस? यस श्योर अलिश्का। हाँ मैम, मुझे पूछना था, मेरा जो भाई है वो ऑटिज्म का पेशेंट, तो मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं अगर पूरी, जैसे मैंने अभी कुछ समझ लिया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं घर में उसके खुद ही अगर इस तरीके से कुछ बिहेवियर नोट करूँ और ट्रीट करने की कोशिश करूँ, तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ मैं इस बात को डिपेंड रहकर उसको ट्रीट कर सकती हूँ, लाइक एटलीस्ट उसकी जो सिम्टम्स वो मिनिमाइज कर सकूँ, एक तो ये क्वेश्चन। और मैम लियाकत में एक ऑटिज्म का ये है कुछ, मतलब क्लासेस वगैरह होती हैं, वहाँ मेरा भाई जाता है, मगर वो ऐसा करते हैं, उसकी जो बिहेवियर थेरेपी हमने करवाई थी बिकॉज उसमें जो स्किमिंग जो यूं करके हाथ वगैरह जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा था, तो हमने उसकी अच्छा, क्लासेस भी करवाई, मगर वो कभी हमें अंदर नहीं इन्होंने, आज तक वो हमें इन नहीं होने लगे। हाँ वो ना, क्योंकि बाकी अगर दाव में अगर जाओ तो वहाँ पर वो ऐसे करते हैं, वो मुझे अंदर बिठा देते हैं और मुझे बता देते कि आपको ऐसे करना, मगर यहाँ पर ऐसे कि वो इन्हें नहीं होने देते, कहते नहीं ये हम करेंगे, और मुझे समझ नहीं आता कि आधे घंटे में वो ऐसा क्या करें। एक दिन मैं अगर चली भी गई तो मैंने देखा कि हबीब खुद ही अकेला सब कुछ मतलब टॉयज से खेल रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हबीब को आईडी है, मतलब इंटेलेक्चुअल लर्निंग डिसेबिलिटी करके उन्होंने कोई नाम दिया, तो ऑटिज्म और आईडी और एडीएचडी, ये तीनों चीज़ें क्या एक बच्चे में पॉसिबल है, हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अलिश्पा, आई एम सो सॉरी, यू हैव टू गो टू थ्री थ्रू दिस, क्योंकि आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन एंड आई कैन फील यू कि इस तरह से, एक तो पहले ही चैलेंजिंग है आपके भाई का न्यूरोडाइवर्सिटी पे होना, चीज़ों को समझना, और फिर साथ में जो प्रोफेशनल्स मिलते हैं वो भी इस तरीके से डील कर रहे हों, तो इट इज़ सैड। और मेरा चूंकि वो प्रोफेशन है और उसकी ही आपने लाइव एग्जाम्पल दे दी जो आपके साथ हुआ है, सो आई फील वेरी सॉरी। सो कमिंग टू द क्वेश्चंस, पहली चीज़ यही, मेरे आपको सारे स्टाइल से यही पता चला होगा, मैंने स्टार्ट ही इसी से लिया था जिसमें पेरेंट ट्रेनिंग थी। तो जो भी एक जो है, आई थिंक जो एथिकल बंदा होगा वो लाजमी जो है ना इस चीज़ पे काम करेगा कि ट्रेन किया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए घर वालों को, केयर टेकर्स को। तो आप डेफिनेटली चीज़ें सीख के खुद अप्लाई कर सकते हो, और अगेन अप्लाई करने का मतलब जो है वो यही होगा कि आप अपने भाई की जो बिहेवियर्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हो, उनकी फ्रिक्वेंसीज को, उनकी इंटेंसिटीज को, इट रियली वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद आप बिल्कुल लाजमी बात करो, आपका हक है कि आप उन चीज़ों को देखो, और उन आप पे करते हो वहाँ पे, आपको वो मुफ्त का तो नहीं ना आप करते हैं। ठीक है, तो आपका हक है ये, आप उनसे बात करो, अगर आपको वो नहीं सूट करता तो चेंज इट,
अगर हाँ अगर एफिकेसी नज़र आ रही है ना तो फिर चेंज नहीं करना, फिर ना करना इस तरह से। हाँ फिर बात करो उनके साथ कि चीज़ें हमें सिखाएं, और हो सकता है जो अगर वो नहीं आपको करने दे रहे, वो उसकी वजह हो सकती है कि वो अलग से कुछ चार्ज करना चाह रहे हो आपको सिखाने का। आप उनसे फिर बात करने, अगर आपकी ये चीज़ रेंज में आती है आप उनसे बात करने कि मुझे सिखाने का जो है ना आप लोग क्या कोई चार्ज है वगैरह, कोई बीच में इस तरह की बात है तो फिर आप मुझे बताएं। और तीसरी चीज़ क्या पूछी थी आपने, आई एम सॉरी। ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अच्छा, अच्छा बिल्कुल। डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें कोमोबिडिटीज होती हैं। कोमोबिडिटी यही कि अगर वन पर्सन इज विद वन कंडीशन तो देर इज पॉसिबिलिटी कि वो उसके साथ कोई दूसरी या तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, तो ऐसा होता है। बट अगर अगर तो डायग्नोस्टिक लेवल पे है तो आप उन चीज़ों को डायग्नोसिस करवा लें, अगर नहीं डायग्नोसिस हुआ हुआ तो सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट पे ना रहें, क्योंकि ऐसा लगता है चीज़ें जो है ना वो ओवरलैप कर रही होती हैं, सिम्टम्स ओवरलैप कर रही होती हैं, लेकिन वो इंटायरली क्राइटेरिया मीट नहीं करता उस डिसऑर्डर का। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है ना उसका डायग्नोसिस करवा लें मैम बाकी वो कंडीशन। कहती हैं कि वो जो थेरेपिस्ट है उनकी बिहेवियर थेरेपिस्ट, वो कहती हैं कि ना अभी बाकी बच्चों जो मेरा भाई है वो बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा स्लो है, और मुझे इस बात का अभी तक नहीं समझ आया कि 6 मंथ्स के अबव होने वाला है मगर ऐसी कोई भी बेहतरी हमने नहीं देखी। मतलब कोई एक में बोलूँ कि हाँ, ये है कि मोबाइल बंद करने का उन्होंने हमें कहा था, तो चले हमने वो के मुझे लगता है कि हबीब को ऑटिज्म का जो मेन पार्ट हुआ है ना उसी वजह से हुआ है, तो हमने वो बंद किया, तो हाँ इसमें थोड़ी बेहतरी आई है कि अब थोड़ा चीज़ों में लग जाता है और भूल जाता है मोबाइल को, मगर उनकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा आउटकम निकला। देन एलिशा डू थिंक अबाउट इट, उसका टाइम वेस्ट ना करें, अपने पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे पता है थेरेपी एक कॉस्टली चीज़ होती है, तो अगर आपको नहीं चीज़ें समझ आ रही तो वहाँ पे स्टिक करने का कोई फायदा नहीं है। ओके और अब मैम, तो बस बल्कि सबसे बेहतर चीज़ यही है खुद सीखो। आई थिंक यू आर एम्पथेटिक इनाफ, और इन बच्चों के साथ जो है ना वो एम्पथी बहुत काम करती है, आपका कनेक्शन वहीं से डिवेलप हो जाएगा। जहाँ कनेक्शन डिवेलप हो गया तो कंप्लाइंस आना शुरू हो जाएगी, तो चीज़ों को खुद आप सीख के खुद ही कर लोगे मगर इंशाल्लाह। मैम ये है कि मैंने बहुत कोशिश की, मगर हबीब जो मेरा भाई है वो चीज़ों को छोड़ता नहीं, जैसे उसको मैंने रीइन्फोर्स करने की बहुत कोशिश की चीज़ों में, मगर मैंने कभी ऐसा कुछ नोट ही नहीं किया कि शायद उसने मेरी बात मानी हो या उसने उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया हो। अगर मोबाइल की बात करूँ तो उसको लगता है कि वो तो ऐसे ही दे रही है, या कुछ ऐसा पार्ट हो ही नहीं रहा कि मैं बोलूँ कि इसमें मेरा रोल प्ले हो रहा है, होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो थोड़ी बहुत आप प्रोफेशनल हेल्प ले लो, क्योंकि अलिश पे यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ें आ जाती हैं। हर केस जो है, और ऑटिज्म नाम हमने बात की ना, हर ऑटिस्टिक पर्सन दूसरे ऑटिस्टिक पर्सन से डिफरेंट होता है, तो स्ट्रेटजी सारी यही होंगी, इन्हीं के अराउंड सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आपका जो है ना वे ऑफ यू नो वे वे टू कम्युनिकेट या वे टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो कुछ चेंज करना पड़ जाता है। यहाँ कोई ना कोई ऊपर नीचे कोई और स्ट्रेटजी भी यूज़ की जा सकती है, तो आप थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प इसमें ले लो सीखने के लिए, जो है ना वो इंडिविजुअलाइज्ड स्पेसिफिक टू हबीब चीज़ें क्या होनी चाहिए। सो वी डू हैव 2 मोर मिनट्स, मैं 45 पे इसको ख़त्म कर रही हूँ, आई हैव अनदर कमिटमेंट टू, तो लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी। मैम जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि स्पीच थेरेपी जो करते हैं और ओटी जो करते हैं, क्या उनका रिलेशन साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकोलॉजी नहीं होता, क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से वो कोई और डिपार्ट के होते हैं? जी बिल्कुल, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है लेकिन इंटरलिंक्ड है, आप इनको एक दूसरे से जो है ना वो समझें कि साथ साथ चलते हैं, ये बहन भाई हैं आपस में, तो साथ साथ ओके चीजें काम करी होती हैं। ठीक है मैम। ओके सो नयाब, आई थिंक काफ़ी हो गया है, और मैं स्लाइड्स जो हैं वो जो मेरे कोऑर्डिनेटर जिनसे बात हो रही थी मैं उनके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप सबके पास हो आ थैंक यू जाए। सो मच मैम। आई और सो ऑल द अटेंडीज, आप सबका क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यस यस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर द सेशन ओके मैम। वेलकम मैम, अगर मैम, सबके क्वेरीज एक्चुअली मैं वगैरह ये हो पूछना गई तो चाहूंगी ओके ओके अनीजा प्लीज आस्क। लास्ट क्वेश्चन, फोर्टी आप लाहौर से फाइव किससे बोली? आर यू आस्किंग अबाउट मी यस मैम, एक्चुअली मैं विजिट करना चाह रही हूँ। अच्छा मैं लाहौर में भी होती हूँ एंड माय होम टाउन इज शेखुपुरा, तो मैं इन दोनों में
आप मुझे विजिट कर सकते हैं. वैसे विजिट करने के लिए ज़्यादा तो लाहौर में ही मैं जो है ना वो होती हूँ. तो यस लाहौर. ओके जो क्लिनिक है आपका यहाँ फिर जो क्या नाम है उसका? आई डोंट नो हाउ एम आई सपोज टू शेयर माई पर्सनल थिंग्स इधर, क्योंकि मैं साइक स्टेशन से जो है वो आप लोगों को कह रही हूँ. तो आप अनीजा जहाँ से आपको आप साइक स्टेशन से ही कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो मैं उनको भी चीज़ें बता दूँगी. ओके मैम ठीक है. हाँ आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लें जिस तरह से भी आपको ये पता चला है वेबिनार का. तो आई थिंक नयाब आप प्लीज़ इसमें फैसिलिटेट करिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चीज़ें किस तरह से पार्टिसिपेंट्स के साथ हैं कनेक्टेड. ठीक है ओके मैम इंशाल्लाह आई विल टॉक टू थैंक यू जो हमारी सीईओ हैं, देन ही विल डेफिनेटली इन्फॉर्म ऑल. ठीक है ठीक है. ऑल राइट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई सेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका फुली इन्वॉल्व होके सुनना, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि लोगों ने सुना है. सो मेरा रीइंफोर्सर जो है वो पूरा हो गया. आई डिड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू डू. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर अ लॉट. अल्लाह हाफिज. ओह मैम वी आर थैंकफुल टू हैव यू फॉर दिस वेबिनार. थैंक यू मोस्ट थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. जजाकल्ला जजाकल्ला. ओके अल्लाह हाफिज मैम. अटेंडीज आप सबके साथ मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, तो काइंडली आप अपनी ई सर्टिफिकेट के लिए वो फिल कर दीजिए. ओके थैंक यू सो मच. सर्टिफिकेट मतलब लिंक कहाँ पर है? लिंक मैंने शेयर किया हुआ है. ओके आई शेयर अगेन. थैंक यू. Excuse me, please. Is it the last session? Hello? What the last session? आप सिर्फ डेली बेसिस पे जो वेबिनार्स होते हैं उनका लिंक हमने फिल करना होता है ना? ओके ओके ओके. हाँ तो ठीक है, आप सबके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.